फोर्थाई न्यूज, नजर हर खबर पर। और है सेज, अगर कोई और मूल उसमें छुपी है उसको भी आप जांच करा दीजिए। मैं आपकी पुलिस विभाग को धन्यवाद दूंगा, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि आपने जितने आशीष कुमार छाबड़ा, इसमें कहीं कोई विषय नहीं है। आशीष छाबड़ा, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अजय माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न किया था, बेरला जनपद में एक सीओ के द्वारा सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा गुवाड़ी के तहत माननीय अध्यक्ष महोदय 200 रुपए के बीच को, मंत्री जी से केवल इतना आग्रह है कि जो एसआईटी गठन हुआ अब वो 6 एसआईटी हो गया, एक घटना है, तो कृपया केवल इतना बता दे कि उसके जांच के बिंदु क्या क्या है और उसमें अभी तक कहां तक परिणाम में पहुंचे हैं, इतना तो बता दे मंत्री जी। जो 6 एसआईटी है तो जांच के बिंदु निर्धारित किए होंगे और क्या क्या जांच के बिंदु है मंत्री जी थोड़े बताएंगे। आशीष छाबड़ा की बात हो चुकी है सर, आशीष छाबड़ा को आपने बुला चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूँ ना, आप ही लोग व्यवस्था, सरकार से जवाब लिया जाता है। अब हम लोगों से ये है तो जब ये फिर इधर आ जाएंगे तो हम लोग बोले विधानसभा को जो गुमराह, उधर बैठे हैं तो जब उधर बैठे हैं तो जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। अलग से दिला देता हूँ मैं जवाब, नहीं अलग से मत दिलवाए ना अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब तो यही आएगा। अलग से तो आपसे चैम्बर में मिल लेंगे और कक्ष में आपसे अलग से बात कर। माननीय मंत्री जी, उसमें कोई बिंदु बदले नहीं है। जो एसआईटी गठन किए हैं उसके बिंदु जांच के क्या क्या थे, कृपया इतना तो बता दीजिए। क्या कौन है ये जांच का बिंदु है? मैं स्पष्ट प्रश्न किए कि 6 एसआईटी आपने गठित की विधानसभा में, आप बता रहे हो इसके क्या क्या बिंदु तय किए थे ये बता दो, कब कब गठित की गई ये बता दो, विधायक से दुर्व्यवहार हुआ उसमें क्या कार्रवाई करोगे ये बता दो, विधायक सदन में बोला किससे दुर्व्यवहार हुआ उसमें क्या कार्रवाई करोगे बता दो। उत्तर आने का सवाल नहीं है, विधानसभा की अवमानना का सवाल है, जो प्रिंट है उसका उत्तर आना चाहिए, इसमें कोई गोल बोल नहीं होती, ये हम आपकी गरिमा के लिए लड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरक प्रश्न में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, आप 6 प्रश्न को उसमें डाले, विधायक से दुर्व्यवहार का मामला घटना इनके समय का है, चार आप लोग बैठे ना, चार एसआईटी अगर नहीं जांच कर पाया, अगर दो और तकलीफ क्यों हो रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट, माननीय अध्यक्ष विपक्ष को कुछ मुद्दा नहीं, माननीय अध्यक्ष संतुष्ट, माननीय विधायक चंद्रदेव राय ने उनके साथ पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया, इसकी शिकायत सदन में की, माननीय मुख्यमंत्री जी उस दुर्व्यवहार पे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा करेंगे क्या? देखिए, इस प्रश्न के बारे में मैं अलग से माननीय मंत्री जी से जानकारी लूंगा, आप लोग शांतिपूर्वक विराजे रहिए। मैं भी जानना चाहता हूँ कि एक ही किसी भी प्रकरण में 6 आईसीटी गठित हो सकते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से जो माननीय मंत्री जी से सवाल पूछा था, बेरला में पदस्थ जनपद के सीओ ने सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा गुरवा बाड़ी के तहत 200 रुपए के बीच को 2000 रुपए की वसूली सरपंच सचिवों के माध्यम से की गई थी और साथ ही साथ पोलिंग बूथ के 1500 रुपए भी जो मतदान के समय आते हैं मतदान केंद्र के, वो सर सीओ के द्वारा सर संबंधित पंचायत को नहीं दिए गए थे, उसमें जांच भी हुई और जांच के द्वारा अधिकारी ने उसको दोषी भी पाया गया। माननीय मंत्री जी से मुझे पूरा विश्वास है इस पर कार्रवाई करेंगे और साथ ही साथ एक निवेदन और मंत्री जी से मैं करना चाहूंगा कि इसके पूरे कार्यकाल की, ये तो एक छोटा सा वो है, जब से बेरला जनपद में पदस्थ है तब से आज तक के इसके पूरे कार्यकाल की अगर जांच की जाए तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के और जानकारियां वहां से प्राप्त हो पाएगी। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बात को उठाया ये प्रमाणित भी हुआ है, प्रथम दृष्टया व्यक्ति दोषी भी पाए गए हैं, इनका तबादला भी हुआ था, किंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार उनको पुनः वहां रहने का अवसर मिला है। इस प्रकरण में भी जांच भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है,
और भी कार्रवाई लंबित है। मैं संतोषजनक ये भी सदन में कह रहा हूँ कि कार्रवाई और भी अगर आवश्यक होगी वो भी कार्रवाई होगी। मंत्री जी निलंबित कर दीजिए उसको, इनके संबंध के हैं अगर सदस्य ने चाहा है निलंबित कर दीजिए, जब इतना गंभीर है तो निलंबित कर दीजिए। योगी जी ये बोल रहे हैं कि ट्रांसफर में स्टे है ना, निलंबन में कोई स्टे नहीं है, सस्पेंड कर दीजिए विधानसभा में। जोगी आदरणीय जोगी जी की भी मंशा और सदस्य की मंशा मुझे लगता है कि आज ही आपको पता चल जाएगा, जरूर उसकी पूर्ति हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर सिंह निषाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायत मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि गुंडरदेई विधानसभा में कितने सड़क है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संचालित हैं। मुझे जवाब आया है 81, लेकिन उल्लेखित हुआ है केवल 19 सड़कों का, जिसमें 7 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका और 12 में निर्माण कार्य प्रगति पर, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन लगातार व्यस्तता और दौरे के बाद मैंने देखा है कि जो स्थिति 62 सड़कों की है, जो अधिकारी उनको बता नहीं पाए माननीय पंचायत मंत्री जी को कि इस ये रोड जो चलने लायक नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है कि सड़क की हालत बिल्कुल खराब नहीं, जर्जर नहीं है। यदि अधिकारीगण ने आपको गलत जानकारी दी है तो मैं चाहता हूं कि उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पूरी जानकारी आपको नहीं दी है। और मैं कहना चाहूंगा पॉइंटेड प्रश्न करो यार। जी जी, पिछले सप्ताह मैं भुरकाभाट से हड़घन घीना मार्ग पे मैं गया था माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैंने वहां के अधिकारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की से बात की थी और मैंने स्पष्ट कहा है कि 3 किलोमीटर जाने मुझे 10 मिनट लगा है इनोवा में। तो सोचिए जो पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे, मोटरसाइकिल से चल रहे, उसको कितनी देर लगेंगे वहां जाने में। वो जल्दी पहुंचेंगे, आप हिसाब लगाइए, वो जल्दी पहुंचेंगे। नहीं, मैं कहानी सुना रहा हूं, इसीलिए सुना रहा हूं कि मैं पिछली सदन में भी यही बातें रखा था और हड़घन से घीना भुरकाभाट की मार्ग मैंने माननीय मंत्री जी के जेहन में लाई थी कि 35 साल से जो सड़क निर्माण है, आज भी अधिकारी के द्वारा उसको ये बताया जा रहा है कि सड़क की हालत जर्जर नहीं है, इसमें मुझे पूरी कार्रवाई चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ये सड़कें कब तक बन जाएगी, मुझे आश्वस्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, संदर्भित विधानसभा में 81 सड़कें जो PMGSY की है उसकी हम लोगों ने जानकारी दी है। इनमें जैसा हम सब जानते हैं कि इनके निर्माण और रखरखाव की 3 श्रेणियां होती हैं। एक 5 साल तक के निर्माण की सड़कें कार्य पूर्ण होने के बाद, जिसका संधारण संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से होता है। दूसरी श्रेणी 5 साल से 10 साल के अवधि की सड़कें, जिनका संधारण राज्य सरकार के बजट और उपलब्ध जो राशि कराई जाती है उसके माध्यम से हो पाता है। और तीसरा 10 साल से अधिक समय की सड़कें, जिनका फिर संधारण जो PMGSY फेज 3 के नाम से कहा जा रहा है, केंद्र सरकार से पुनः अनुमति लेके, सैंक्शन लेके और उन सड़कों का उन्नयन होता है, चौड़ीकरण होता है। ये 3 श्रेणी की ये सड़कें हैं। माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा कि 19 सड़कों का ही उल्लेख क्यों हुआ, उसका कारण केवल ये है कि 5 साल से ऊपर की सड़कों की जवाबदारी जो राज्य सरकार की बनती है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी है। शेष 62 सड़कों में से मैं और जानकारी सड़कवार ले लूँगा, सड़कवार मुझे एक एक सड़क की मैं नहीं बता पाऊंगा, आपसे जानकारी ले लूँगा। कोई भी सड़क ऐसी अगर होगी कि जिसमें संधारण की आवश्यकता है, फंड्स उपलब्ध होंगे, 5 साल के अंदर फंड्स की आवश्यकता नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को करना है या उनकी जो अनुबंधित राशि रहती है उसके माध्यम से करा लिया जाता है। वो 5 साल के अंदर की समस्त सड़कों का कहीं भी जानकारी आपसे मैं लेके करा दिया जाएगा। माननीय विधायक जी, आपका प्रश्न बड़ा विस्तृत है, आप माननीय अध्यक्ष मंत्री जी के पास चले जाएं कमरे में और पूरी जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पापरा से पीड़ित मार्ग 45 साल से लोग उस मार्ग के लिए निर्माण के लिए तरस रहे हैं। पापरा से पीड़ित एक रास्ता बता रहा हूँ, 45 साल हो गए, बहुप्रतीक्षित मांग है, मुझे आज तक ये पता नहीं कि शासन की योजना में वो क्यों शामिल है 45 साल से। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जान रहे होंगे या जानना चाहिए कि PMGSY का अब नया सड़क लेने का प्रावधान खत्म हो गया, वो लॉक हो गया। तो अगर वो PMGSY की सड़क है जिसको आप 45 साल की कह रहे हैं तो अवश्य उसमें काम करेंगे, और अगर वो PMGSY के नेटवर्क में नहीं है, घोषित नेटवर्क में, तो फिर PWD के माध्यम से पता करके लिख दूंगा और आपको बता भी दूंगा। जी, जी। इस वर्ष आपके पास संधारण के लिए कितना पैसा है और कितने रोड में संधारण के लिए लग गया, ये बता सकते हैं? वो बजट में आ जाएगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा। अरुण बोरा जी,
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में शासकीय मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2017-18 और 19 में 0 से 1 वर्ष तक बच्चों के संदर्भ में मेडिकल कॉलेज वार जानकारी देने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये संवेदनशील प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है और आपने मेडिकल कॉलेज वार पूछा है तो मैं मेडिकल कॉलेज वार जानकारी दे देता हूँ। भीमराव आम्बेडकर अस्पताल रायपुर में 2647 प्रकरण 2019 के दर्ज हुए थे। बिलासपुर 3152, राजनांदगांव 3214, रायगढ़ 2806, अंबिकापुर 4155, जगदलपुर 3469 और DKS 416 सुपर स्पेशलिटी। 18 में क्रमशः 2870, 2291, 3843, 2549, 3628, 2934, 73 ये DKS चालू ही हुआ था और 17 में क्रमशः 2449, 2421, 3006, 2398, 3965, 2720 और DKS प्रारंभ नहीं हुआ था, इस कारण से 0 इतने रजिस्टर हुए थे। और डेथ्स की जानकारी रजिस्टर इसमें मान्य बच्चों की जो मृत्यु हुई है, मृत्यु 2017 में 3095, 18 में 3389 और 19 में 3310। भले ही आंकड़ा थोड़ा सा कम ऐसा दिख रहा है लेकिन बच्चों की मृत्यु एक संवेदनशील विषय है और कहीं भी इसमें अगर कमी होगी अवश्य इसमें हम लोग ध्यान देंगे। और क्रमशः अगर आप चाहेंगे मैं आपको जानकारी भी दे दूंगा कि प्रत्येक अस्पताल में कितनी मृत्यु, साथ ही में ये 0 से लेकर 1 माह तक की भी जो मृत्यु हुई है, ये 1 साल तक का ही, 1 साल और 1 माह तक का, हाँ 1 साल तक, हाँ जी जन्म से 1 साल। मैं जानना चाहता था कि 0 से 1 माह तक के बच्चों की कितनी मृत्यु हुई है। वो माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि 17-18-19 में मृत्यु दर कितनी थी, शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 17 में 18.24, 18 में 18.63 और 19 में 16.66। ये थोड़ा कम आपको दिख रहा है होता हुआ, उस हद तक संतोष किया जा सकता है लेकिन ये 0 के आसपास होना चाहिए, ये हम लोग का प्रयास। इस पर भी कुछ कार्रवाई की गई है क्या? हर तरह से व्यवस्था बना के और बच्चों को सुविधा समय से मिल सके ये प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम देखेंगे तो अस्पताल में जन्मे बच्चों का मृत्यु दर कम पाया जाएगा, अस्पताल में बाहर से लाए हुए बच्चों का मृत्यु दर और प्रतिशत ज्यादा दिखेगा। और दुर्भाग्य से कारण ये बनता है कि दूर से जब बच्चा सीरियस हो जाता है तब दूरस्थ इलाके के लोग फिर अस्पतालों में बच्चों को जब लाते हैं तो कई बार देरी भी हो जाती है और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो ये और जागरूकता हो कि अगर बच्चों को आप महसूस कर रहे हैं कि थोड़ी भी सामान्य से ज्यादा स्थिति खराब है तो तत्काल ऐसे अस्पतालों में जहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं तत्काल ले लें। धनेन्द्र कुमार साहू जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री जी, ये रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जाएगी जो मेडिकल कॉलेज में है? ये जानकारी 2 और 5 की हम लोगों ने दी है, 4 की तो हम लोगों ने 24/7 ओपन भी रखा है और जैसे ही लोग उपलब्ध हो जाते हैं भर्ती कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आगे पूरक प्रश्न के रूप में जानना चाहूंगा कि राजिम और चंपारण ऐसे दोनों पर्यटक स्थल हैं जहां पर पर्यटकों की संख्या प्रतिवर्ष काफी प्रदेश में सर्वाधिक यहाँ पर होती है। राजिम में भी चंपारण में भी जहाँ प्रदेश के स्थानीय पर्यटक भी आते हैं, पूरे देश भर से भी आते हैं और विदेशों से भी NRI लोग काफी बड़ी संख्या में चंपारण राजिम में आते हैं। आपने मेरे प्रश्नकाल में उल्लेखित अवधि में भी कोई भी 1 रुपये का कार्य स्वीकृत नहीं होना जानकारी दिया है और न ही अभी तक कोई भी पर्यटन विभाग के द्वारा कोई भी वहाँ के विकास कार्यक्रम नहीं किया गया है। तो मैं अनुरोध भी करूँगा और जानना भी चाहूँगा क्या वहाँ के लिए कोई विकास की योजना आप बनाएंगे, पर्यटन विकास के लिए, पर्यटक सुविधाओं के लिए वहाँ पर किसी तरह से चंपारण में
विशेषकर मास्टर प्लान बना करके उसको विकसित करने की योजना क्या विचाराधीन है? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल हैं उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, बनाई जा रही हैं और काफ़ी जगहों पे बनाई जा चुकी हैं, कुछ जगह हम शुरू कर दिए हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं चंपारण के विषय में वहाँ भेज करके क्या क्या आवश्यकताएं हैं, हमारे पास वर्तमान में क्या क्या है चिन्हांकित करने का, और माननीय सदस्य जी से जानकारी लेकर के उस पर प्रोजेक्ट तैयार करके जरूर करना चाहेंगे। रजनीश कुमार जी, माननीय मंत्री जी से एक और जानना चाहूँगा, वहाँ पर पर्यटक सुविधा केंद्र प्रारंभ की गई थी सन 2002 में और उसको बंद कर दिया गया है। वहाँ 18 सालों से जो कर्मचारी कार्यरत थे तो उनको भी किन कारणों से बंद कर दिया गया है? क्या उसको पुनः प्रारंभ करेंगे? कर्मचारियों की नियुक्ति जो 18 साल से काम कर रहे थे उनको फिर यथावत रखेंगे? प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा सम्माननीय अध्यक्ष जी, जो कर्मचारी समय समय पर आवश्यकता अनुसार रखे जाते हैं, और जब वो काम होता है तो हटाए भी जाते हैं। एक एक प्रक्रिया है, मैं दिखवा लूँगा कि वो कर्मचारी किस स्तर के थे, प्लेसमेंट एजेंसी के या डेली वेज के क्या थे, मैं दिखवा लूँगा। नहीं, उस ये शुरू से काम कर रहे थे, जब से पर्यटक केंद्र प्रारंभ हुआ है जी, और सीधा पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित हो रहा था वो। मैं दिखवा लूँगा और आवश्यक कार्यवाही जरूर करेंगे। रजनीश कुमार सिंह, अध्यक्ष जी, इस संबंध में एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। माननीय मंत्री जी, आपने प्रश्न में के जवाब में दिया है, दामाई खड़ा स्थित कबीर सागर का गहरीकरण हेतु 12.5 लाख रुपए की स्वीकृति का, मैं आपकी जानकारी में ला देता हूं, इसमें स्वीकृत राशि हुई थी 25 लाख, जारी हुई है 12.5 लाख, काम 25 लाख का हो चुका है, पंचायत का भुगतान पिछले 2 वर्ष से रुका हुआ है। धन्यवाद। मैंने निवेदन किया था, इसको निकलवा दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, रजनीश कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने जानना चाहा था कि आरएमएम के पद पर कितने संविदा और कितने नियमित हैं, इनका जवाब है। मैं इनसे आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 2010 से जब ये काम कर रहे हैं, इनका पद नाम सहायक चिकित्सा अधिकारी होता था, अभी जनवरी में इनका पद नाम बदल कर आरएमएम रूरल मेडिकल असिस्टेंट कर दिया गया, आखिर इसकी क्या आवश्यकता है? और दूसरी, इसमें एक आदेश और जारी हुआ है कि अब ये अपने नाम के सामने डॉक्टर शब्द का उपयोग नहीं कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जान रहे होंगे कि एक पाठ्यक्रम 3 साल का है और MBBS का पाठ्यक्रम 5-5.5 साल का है। दोनों पाठ्यक्रमों में अगर हम एक ही पदनाम रखने की व्यवस्था रखते हैं तो उनमें दोनों कैडर में एक तो ये बात आती है कि भाई वो भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, मैं भी मेडिकल ऑफिसर, वो भी मेडिकल ऑफिसर, इस प्रकार की बातें। और IMA के माध्यम से कोर्ट तक में ये बात गई और कोर्ट में भी इसके बाबत जवाब देना पड़ा कि ये एक जैसा नाम दोनों का कैसा है, बल्कि अन्य सवाल भी पूछे गए कोर्ट के माध्यम से कि क्या ये पद आप समाप्त कर रहे हैं और RMA की जगह रेगुलर MBBS डॉक्टर्स आप भर्ती करेंगे इत्यादि। अंततः ये निर्णय शासन ने लिया कि स्पष्टता रहे, कैडर में अलग अलग आहर्ता के लोगों के पद नाम में भी अंतर होना चाहिए, इसलिए 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के जो हमारे सदस्य हैं उनको रूरल मेडिकल असिस्टेंट के रूप में नाम पद नाम दिया गया और जो MBBS हैं उनको मेडिकल ऑफिसर के रूप में पद नाम दिया गया। बाकी उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। जांच में माननीय सदस्य ये भी जान रहे होंगे कि अब वो 3 साल का पाठ्यक्रम फिलहाल बंद हो चुका है, नियमित होने के लिए भी जो आपने लिखा है जो चलिए संविदा में है वो NHM के माध्यम से है। जो पद रिक्तियां हमको दिख रही हैं वो आरक्षण के चलते जो पद रहते हैं उन
वर्ग के, क्योंकि हमको लोग नहीं मिले और पाठ्यक्रम अब बंद हो चुका है, इस कारण से वो रिक्तियां भी हमको दिख रही हैं। फिलहाल जो संविदा में है वो NHM के माध्यम से हैं और उसमें रेगुलराइजेशन का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य के बजट से यदि कभी ऐसी अनुमति मिलेगी तो उनको रेगुलर किया जा सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें नियमित करने में जैसे बता रहे हैं कि दिक्कत है, एक ही साथ वो सब लोग काम शुरू किए थे, उनका पद नहीं होने कारण नहीं हो पा रहा है। वेतन विसंगति बहुत है, आधा लगभग जो नियमित हैं उनसे आधा संविदा जो है उन डॉक्टर उनको मिल रहा है, तो कम से कम उनको समान पद में काम कर रहे हैं तो समान वेतन देने कर दिए। यदि नियमित नहीं कर रहे हैं तो समान वेतन देने का तो कर ही सकते हैं। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष जब थे मंत्री जी, तब उन्होंने उनके प्रति बहुत सहानुभूति के साथ लेटर भी लिखा था, लेटर की प्रति भी है, तो आप उस पद में हैं तो कम से कम उनको रेगुलर करने में यदि फिलहाल कोई दिक्कत है तो समान वेतन का उनका घोषणा कर दीजिए, तो इतने ही उनके लिए बहुत हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जान रहे हैं कि रेगुलर पदों में और संविदा में अंतर है, सभी विभागों में अंतर है, किंतु यदि कहीं कोई ऐसी गुंजाइश होगी कि कुछ बढ़ाया जा सकता है, NHM के क्या नॉर्म्स हैं, अनुमति केंद्र सरकार से भी लगेगी या हम कर सकते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि एक बराबर ना भी हो तो कुछ अगर बढ़ सके, मैं प्रयास अपनी ओर से जरूर। सरकार प्रयास नहीं करती, मान्य निर्णय करती है, आप निर्णय करूंगा और घोषणा करिए उसकी। सुनिए ना, प्रयास प्रयास सब का दूसरे लोगों के, आप मंत्री के नहीं होते प्रयास सब। माननीय बैठ जाइए, आज के नेता प्रतिपक्ष कौशिक जी कुछ पूर्व नेता प्रतिपक्ष से सवाल करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के मतलब अभी के, अरे मतलब कल अगर अदला बदली हो तो स्वीकार है, आज के कल से क्या है। अध्यक्ष महोदय, आप नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं ना, तो कभी कभी मंत्री जी भूल जाते हैं, मैं मंत्री हूं करके खड़े हो जाते हैं। माननीय मंत्री जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रदेश में कुछ जगह MBBS डॉक्टर हैं और कुछ जगह RMS के हैं आपके। अभी रजनीश से पूछ रहे थे तो बोले कि उनको डॉक्टर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो 3 साल के हैं और ये 5 साल के हैं, अलग अलग उनके अर्हता है। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे ख्याल से सब जगह एक है श्रेणी का। चकरभट्टा हमारे हाईकोर्ट है, वहां के अस्पताल RMS के भरोसे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में MBBS के डॉक्टर की पदस्थापना कब तक कर देंगे। अच्छा सवाल है आपका, मिलते साथ दलेश्वर साहू जी जैसे ही मिलेंगे। दलेश्वर साहू, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का पहले बजट भाषण सुना और उसके पहले यहां बैठे थे तो भी सुना था, बोले कि आप लोग कर नहीं पा रहे हो, इतने पोस्ट हैं, इतने है, खाली है। मुझे बहुत उम्मीद थे कि राजा साहब बने हैं तो निश्चित रूप से उसमें प्रयास करेंगे और सफलता मिलेगी, लेकिन आपको कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है। बजट और कोई सफलता नहीं मिली है, तो ये एक बजट आ ही रहा है, तो बजट आ जाता है तो मेरा ये कहना है कि केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप कम से कम में MBBS डॉक्टर की पदस्थापना हो जाए और इसको यदि इस बजट सत्र के अंतर्गत ही आप कर लेंगे तो मैं बोलूंगा आपकी उपलब्धि है, तो आप आश्वस्त करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी कहना उचित नहीं होगा कि होगा कि कुछ भी नहीं कर पाए, बजट को आप 899 जो पद रिक्त थे जब शासन नया शासन आया, उसमें से 350-400 पद भरे जा चुके हैं, 300 कुछ मेरे ख्याल से जहां तक मेरी जानकारी है नए डॉक्टर्स भर्ती हो चुके हैं और मेडिकल कॉलेजेस से अनुबंधित डॉक्टर्स जैसे आ रहे हैं हम लोग भरते चलेंगे, तो मेरे को उम्मीद है कि ये होगा, MOs का हो जाएगा, विशेषज्ञों की दिक्कत। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न निर्माधीन दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव के दर्शक दीर्घक बैठक के संबंध में प्रश्न था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दो तरीके से खरीदारी किया गया है, एक तो ओपन टेंडर से, दूसरा JEM से। मेरा पहला प्रश्न JEM से संबंधित है, JEM के माध्यम से खरीदी की गई है, क्या JEM के नियमों का पालन करते हुए 3 एजेंसियों से तुलनात्मक रेट लिस्ट लिया गया है, ई बिडिंग की प्रक्रिया अपनाई गई है,
क्रय समिति के गठन कर अनुमोदन लिया गया है या किस उच्च अधिकारियों से अनुमोदित प्राप्त है। ये जेम का चार प्रमुख बिंदु है, जेम खरीदी का ये चारों प्रक्रिया अपनाई गई है कि नहीं अपनाई गई, मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जेम से जो खरीदी की गई है उसकी पूरी प्रक्रिया पालन की गई है। ऑनलाइन जो सामान खरीदा जाता है वो ऑनलाइन डाला जाता है, ऑनलाइन रेट जो विक्रेता है या सप्लायर है वो भरता है, और सबसे जो लोवेस्ट रहता है उसको ऑर्डर दिया जाता है। तो पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। दूसरा मेरा दूसरा प्रश्न है, आप एक तो ओपन टेंडर 13/7/2018 को 1,65,059 है और दूसरा करीब लगभग 76 लाख, तो 76,000 का तो आपने जेम से खरीदी की गई और जो फिटिंग कार्य यू फ्रेम सामग्री लेबर अन्य कार्य सहित 1,65,000 रुपये खाली आपने लगाने में, और आपका चेयर मात्र 76,000 का है, 76 लाख का है, और आपकी फिटिंग विटिंग का जो बता रहे हो आपने स्पष्ट लिखा है दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव में PVC चेयर का फिटिंग कार्य UV फ्रेम सामग्री लेबर एवं अन्य कार्य सहित, आपका जितना का चेयर नहीं है उतने का आपने 1,65,00,000 रुपए का फिटिंग चार्ज कर दिए है, इसमें कोई विरोधाभास है तो स्पष्ट कर दीजिएगा मंत्री जी से। कल चेकअप के लिए आप गए थे, अमेरिका से आने के बाद हमें जानकारी मिली कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है। अच्छा, तो ऐसा क्या किया आपने अमेरिका में? जांच निरंग पाया गया है, जांच में कुछ पाया नहीं गया है, जबकि मैं सूचना के अधिकार में एक जानकारी मिली है जिसमें CHMO महासमुंद लिखते हैं, BMO को निर्देशित करते हैं कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया जाए, जो अधिकारी जिसके खिलाफ शिकायत है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं निवेदन चाहूंगा कि एक अधिकारी जो लगातार वहां बैठा हुआ है और अनाप शनाप भ्रष्टाचार किए जा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें, बस यही आश्वासन चाहता हूं मैं, उसको हटाया जाए वहां से। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए थी वो भी उपलब्ध करा दी गई थी, और इसमें जहां तक मैंने देखा इसमें राशि के उपयोग की बात थी कि किनके हस्ताक्षर से राशि उपलब्ध हुई है। जांच में जो भी बिंदु आए हैं उसके हिसाब से भी कार्रवाई होगी, और भी कोई सदस्य को जानकारी होगी उस संदर्भ में भी कार्रवाई होगी, और शेष मैं आपसे चर्चा इस संबंध में और कर लूंगा। आपके पास कोई भी जानकारी और होगी तो आप। चंद्रदेव राय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूँ, जिला महासमुंद में 3 वर्षों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो राशि प्राप्त हुई है उसके खर्चे का हिसाब जो आपने बताया है उसमें तो ऐसा लगता है कि अधिकारी गणों का ध्यान दवाइयां उपकरण क्रय खरीदने में खर्च करने में बजाय अन्य गतिविधियों में खर्च ज्यादा कर रहे हैं, दवाइयां जबकि नहीं खरीद रहे हैं। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हो? बता तो दिया उन्होंने, जांच करा ली है। चंद्रदेव राय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने जो प्रश्न किया था, मेरे विधानसभा का सबसे चर्चित घटना मालतीबाई हत्याकांड के मामले से जुड़े हुए हैं, और मैंने प्रश्न किया था उसका जानकारी भी दिया है मंत्री जी ने, 6 SIT टीम गठित करने की बात की है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मालतीबाई हत्याकांड में ये 6 SIT टीम में कौन कौन से अफसर इस दल में शामिल रहे। दूसरा, अभी वर्तमान में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, क्या वो पकड़े गए अपराधी मूल अपराधी है या फिर इस मामले में और भी लोग शामिल हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें SIT की जो बात उन्होंने कही है, हम लोगों ने चूंकि प्रारंभ में अपराधी अज्ञात था इसलिए जांच की कार्यवाही अलग अलग चल रही थी, और
पहले जैसे गठन हुआ तो मैं जो उसका मेन था उनका नाम बता देता हूँ, 6-6 सांसद की टीम थी। पहले बार जो SIT का नेतृत्व तो था निरीक्षक प्रणाली वैद्य क्राइम स्क्वाड बलौदा बाजार, दूसरे में SR अहिरवार SDOP बिलाईगढ़, तीसरे में SR अहिरवार, चौथे में पुलिस अधीक्षक बलौदा बाजार, पांचवे में संजय कुमार ध्रुव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदा बाजार, छठवां में संजय तिवारी अनुभागीय अधिकारी बिलाईगढ़। आपने जो दूसरी बात कही उसमें जो दो अपराधी अभी तुरंत जिस दिन आपको उत्तर दिया गया उस दिन नहीं पकड़े गए थे, 20-2 को अजीत कुर्रे और 23-2 को साहेबलाल बघेल, ये दो गिरफ्तार हुए हैं और इनको जेल भेज दिया गया है। आपने जो पूछा कि यही दो मूल हैं कि और हैं, तो अभी पूछताछ विवेचना जारी है और उसके बाद और कुछ होगा तो सामने आ जाएगा। माननीय मंत्री महोदय जी, अभी जिस प्रकार से हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, जवाबदेही पदों पर हैं, अभी कुछ ही दिन पहले घटना है कि हमारे जनप्रतिनिधि जब पुलिस से कोई बात उनसे निवेदन करते हैं तो वो बदतमीजी करने में उतर आते हैं। ऐसी कई घटनाएं बलौदा बाजार में हमारे कसडोल के विधायक ने भी बात किया है। ऐसी कोई मुद्दा होती है जब हम एक पुलिस अफसर से बात करते हैं, क्षेत्र की विषय में चर्चा करते हैं, तो वो संतोषप्रद जवाब नहीं देते हैं। तो क्या इस पर आने वाला समय में जनप्रतिनिधियों के जवाब का संतोषपूर्वक जवाब देंगे, उसको गंभीरता से लेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सम्माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई ऐसी प्रकरण है तो जानकारी दे दें, मैं कहूँगा और विभाग अपनी ओर से आदेश जारी कर देगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों से सम्मानजनक व्यवहार करें और उनके जो प्रश्न है उनकी जानकारी उनको दें, छुपाने की जरूरत। पुलिस के अधिकारी के बारे में बोल रहे हैं कि विधायक से उन्होंने दुर्व्यवहार किया, गोल गोल जवाब देने के बजाय आपको उनसे ये पूछना चाहिए कि कौन अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया, उसको यहाँ निलंबित करने की घोषणा कर दीजिए। अगर विधायकों के संग पुलिस का अफसर बदतमीजी करे या दुर्व्यवहार करे तो ये तो बहुत दर्दनाक और शर्मनाक विषय है माननीय मंत्री जी, इसलिए हम खड़े होकर उनकी तरफ से ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसमें बताया है कि 6 SIT गठित की गई है, तो 6 SIT एक ही मुद्दे की जांच कर रही है कि 6 SIT एक मुद्दे के किन किन बिंदुओं की जांच कर रही है और 6 SIT के निष्कर्ष अलग अलग हैं कि एक ही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 SIT अलग अलग मुद्दे पे कोई गठन नहीं हुआ है। मैंने पहले कहा कि पहले गठन हुआ उसमें अधिकारी का ट्रांसफर हुआ तो दूसरे को जिम्मेदारी दी गई, माने 6 बार हुआ है। जो हत्या किसने किया इसी के जांच के लिए वो जांच दल है और कोई अलग अलग नहीं। नहीं, इसमें लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे एक आग्रह है कि उत्तर आ जाए। मैंने बहुत स्पेसिफिक कहा 6 SIT, मान लो अधिकारी का ट्रांसफर हो गया तो SIT तो 6 ही मानी जाएगी, अधिकारी दूसरा आया माना जाएगा, मैंने एक ही माना जाएगा। 6 SIT एक ही मुद्दे में जांच की कि अलग अलग मुद्दे में जांच की एक ही कांड के, कि उनके निष्कर्ष अलग अलग थे कि एक ही थे, मैंने यह पूछा। अधिकारी बदले उसके बाद भी वो एक ही मानी जाएगी माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 का 6 माना जाएगा, ऐसा कभी नहीं रहा कि अधिकारी बदल गया तो उसकी गिनती बदल जाए। चलिए माननीय धर्मा जी, सर तो दिलवा दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, संतुष्ट हो जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का अपने आप में विचित्र जवाब है कि एक हत्या के प्रकरण में 6 SIT गठन। अब उसी बात को आप रिपीट कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये सरकार SIT गठन करने वाली सरकार है, SIT का परिणाम क्या है? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने कहा 6 SIT गठन हुई, किस SIT ने, किसके नेतृत्व में जो SIT गठन थी जिसने अपराधियों को पकड़ा, और 5 SIT ने जो शेष उन्होंने क्या क्या काम किया, इसकी जानकारी दे दीजिए। वो विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आज पकड़ा, ये तो बता दे अध्यक्ष जी, पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर के छत्तीसगढ़ तक एक मामले में 6 SIT हुआ ही नहीं है। आप रिसर्च करवा लीजिए, कोई नहीं है। ये किस प्रकार से क्यों आपने 6 SIT बनाए भाई? इसमें कोई भी जांच कमेटी बनेगा, अधिकारी बदलेगा तो नया थोड़ी हो जाएगा। वो 6 अधिकारी बदल जाएंगे।
जाए, सात अधिकारी बदल जाए, वो तो एक ही कहेगा ना, तो छह एसआईटी कैसे हुआ? मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, छह एसआईटी कहे तो एक प्रकरण में छह एसआईटी कैसे रहेंगे? तो उसका जवाब आना चाहिए, जवाब नहीं आया है। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट कहा है कि एसआईटी का गठन हुआ, अधिकारी के स्थानांतरण हो गया, तो दूसरी कमेटी बनाई गई। अब उसको प्रकरण एक है और अज्ञात होने के कारण अपराधी कौन है सिर्फ उसी की जानकारी के लिए बनाई गई, उसी काम के लिए बनाया गया। अब उसको छह बार हम लिख दिए हैं कि वो छह बार आदेश तो नया देना ही पड़ेगा अध्यक्ष जी। पहले जो अधिकारी है, सदन गुमराह करने की बात कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष आपको वैसा लिखना था, अधिकारी बदल गया इसलिए ऐसा किया गया। प्रिंट होने के बाद अध्यक्ष जी, जैसे रायपुर का कलेक्टर मान लो बदल गया तो दूसरा कलेक्टर आ गया, पर कलेक्टर तो वही रहता है ना अध्यक्ष महोदय। तो एसआईटी की कमेटी बन गई, उसमें जो उसका इंचार्ज ऑफिसर है हट गया तो दूसरा आ जाएगा। ये छह नौ दस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं एसआईटी एक घटना के लिए छह ठुनी बनाए, पूरे भारत वर्ष सहित पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनाया अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी, बीजेपी के कार्यकाल का इसमें गठित है और हम लोगों के आने के बाद मात्र एक गठित हुआ है, चेंज हुआ है। तो चार सरकार कौन-कौन सी है, कब कब गठित की गई, उनके लिए आप बताइए। चार तो आपने गठित किया ही, आपने मेरा सवाल मुख्य प्रश्न करता है अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न करता है, आप उनको बोलने दीजिए। आप अध्यक्ष मुख्य प्रश्न करता है, आपका हो गया। नहीं अध्यक्ष जी, मुख्य प्रश्न करता है, चंद्रदेव राय प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछा जाए, चंद्रदेव राय अध्यक्ष महोदय प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछा दिया जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी आप अपना ब्लड प्रेशर रखवा लीजिए कि आपकी सरकार बनने के बाद, ये पूर्ववर्ती सरकार की समय की कार्यकाल की है, आपने गंभीरता पूर्वक जांच कराई है, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ सदन के माध्यम से, एक दलित लड़की को न्याय मिली है पूर्ववर्ती सरकार के समय में, आपको भटकती आई है, न्याय कहीं नहीं मिली। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4th Eye News, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक। 4th Eye News, नजर हर खबर पर। फरस गांव में जो एयरटेल का एक टावर और टाटा डोकोमो का एक टावर और रिलायंस का एक टावर जो है अनाधिकृत रूप से लगाए गए थे और उनको तत्कालीन सीएमओ ने नोटिस भी दिया था कि बिना अनुमति के ना लगाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो प्रश्न अवधि में माननीय उच्च न्यायालय से किस तिथि को स्थगन प्राप्त की गई तथा शासन के द्वारा किस तिथि को स्थगन समाप्त करने के पहले पिटीशन दायर क्यों नहीं की गई? माननीय मंत्री जी, इस संबंध में स्थगन दिया हुआ था जिसमें यहाँ का भी शामिल था। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जो जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, कृपया उल्लेख करें कि बिना अनुमति के तीन टावर कैसे लगे और विभाग ने उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? मैंने आपको पहले ही बताया कि विभाग ने संबंधित कंपनी को, जो ये तीन है, उनको नोटिस दिया था और उसमें प्रावधान है नियमों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो बिना अनुमति के टावर लगा देते हैं उन पर 15 से 50 गुना समझौता शुल्क वसूल करके उनको नियमित किए जाने का प्रावधान है और हमारे नगर पालिका ने उनको नियमित करने के लिए पहले ही नोटिस दिया हुआ है।
और वो 15 से 50% उसका समझौता शुल्क वसूल करेंगे और इसमें नगर पंचायत स्तर पे निर्धारित शुल्क जो है 25,000 रुपये। उसका आदत नहीं छूटा है उंगली करने का। कुलदीप जी, माननीय अध्यक्ष महोदय कि नगर निगम स्तर पे 75,000 रुपया शुल्क है इसका और नगर पालिका स्तर पर 50,000 और नगर पंचायत स्तर पे 25,000 रुपया समझौता शुल्क रखा गया है और उनको नोटिस दिया गया है और नोटिस में उनको 15 से 50 गुना शुल्क वसूली करने का प्रावधान है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। असंसदीय शब्द जो बोला गया उसको विलोपित कर दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय बोल दिया किस उंगली 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 वो अजय चंद्राकर की आदत है। माननीय जोगी जी, माननीय एक आपने उंगली कहा ना, माननीय अध्यक्ष महोदय ने उंगली कहा और उंगली संसदीय शब्द है तो उसको विलोपित करने का सदस्य ने निवेदन किया। तुम्हें बताया उसका काम ही है बार बार करते रहते हैं। छोड़िए हम जो माननीय अध्यक्ष महोदय विलोपित करने योग्य है विलोपित करिए, आप शांत रहिए। माननीय चलिए जुनेजा जी, माननीय अध्यक्ष महोदय अंतिम प्रश्न उसके बाद आप कर लीजिए। स्थापित मोबाइल कंपनी टावर द्वारा रेडिएशन के नियंत्रण हेतु क्या भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ली गई तथा क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थापित टावरों की अनापत्ति प्रमाण पत्र की जांच की गई क्या? देखिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निगम देता है, नगर पालिका देती है। टावर में जो रेडिएशन होता है उसकी जाँच भारत सरकार की जो संस्था है वो करती है और BSNL विभाग इस पर टावर पे जो रेडिएशन होता है उसकी जांच करती है। लेकिन रेडिएशन की जांच के लिए आज दिनांक तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए। अगर कहीं रेडिएशन के बारे में जांच करना है, कोई शिकायत है तो बता दीजिएगा, उसको जांच करवा लेंगे। प्रक्रिया है मंत्री जी, हो गया बहुत हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय प्रक्रिया है उसको जांच क्यों, आपको कोई शिकायत आपको नहीं करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं चाहूंगी कि पूरे प्रदेश में लगे हुए टावरों के जिसके रेडिएशन से जनता प्रभावित हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए। रेडिएशन का प्रमाण पत्र अगर नहीं है कंपनियों के पास तो उनके टावर तत्काल 5,000 गुना पेनल्टी में भी उनकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन के नियंत्रण के लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी काफी नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार को भी एक नोडल अधिकारी बनाना चाहिए और इसके लिए समन्वय करवाना चाहिए कि एक नोडल अधिकारी बैठा के इसके ऊपर जाँच करे। मेरा मंत्री बताया कि नोडल अधिकारी बैठवाएंगे क्या इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय इस तरह नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। माननीय अजय चंद्राकर जी, मुझे नियम परंपरा और सब चीज में बहुत आस्था है विधानसभा की, पर मेरे दल ने निर्णय लिया है कि इस प्रश्न से संबंधित मंत्री का बहिष्कार करना है सत्र भर, इसलिए मैं प्रश्न नहीं करना चाहता। आप जो सजा देंगे मुझे मान्य है। आप शांत रहें, इस पर मेरी व्यवस्था यह है कि प्रश्न की सूचना देने के उपरांत जब प्रश्न प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित हो जाता है और सदन में संबंधित माननीय सदस्य का नाम प्रश्न पूछने के लिए पुकारा जाता है, उस समय संबंधित माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछना उचित संसदीय परंपरा नहीं है। मुझे पूरा करने दीजिए। किसी भी माननीय सदस्य की किसी भी माननीय मंत्री के किसी विषय को लेकर असहमति हो सकती है, किंतु अपनी असहमति को व्यक्त करने के लिए विधानसभा के माध्यम से अपना विरोध करना मैं उचित नहीं मानता। माननीय सदस्यगण शासन से प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देने की जवाबदेही विधानसभा में संबंधित विभाग के मंत्री की है, न कि किसी व्यक्ति की। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे विधानसभा में प्रदत्त उनके अधिकारों का उपयोग करते हुए माननीय सदस्य से प्रश्न पूछकर उत्तर लें ताकि वे जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें।
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अक्षरशः आपकी बातों से सहमत हूं और मुझे दुख और खेद है कि मैं अपने दल के निर्णय से भी बंधा हूं आपकी व्यवस्था के साथ। और मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि हमने कक्ष में व्यक्तिगत तौर पे संसदीय कार्य मंत्री जी सबको कार्य पद्धति, विषय पद्धति, वाद व्यवहार की पद्धति को अवगत करवाने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहता कि मेरा या मेरे साथियों का यह व्यवहार कार्य श्रेष्ठ है, लेकिन हमने 20 साल के इसमें किसी से इस तरह की बातें महसूस नहीं की और इससे हम दुखी हैं। और इसलिए मैं बहुत विनम्रता से आपकी हर सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अध्यक्ष जी, आपने आसंदी से अब गाइडलाइन कहे दिशा निर्देश आपने कहा, और माननीय अजय चंद्राकर जी तो लगातार दो कार्यकाल संसदीय कार्य के मंत्री रहे हैं। लोग जो दे, लोकतंत्र में हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी सीमाएं हैं। आपने प्रश्न किया, सभी माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं, उत्तर पाने का भी आपका अधिकार है। और सब नए सदस्य हैं, नए मंत्रिमंडल एक साल हुआ है, हास परिहास में कोई बातें होती हैं, होते रहती हैं। आप तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के भी सदस्य रहे ना, 320 में आप बैठा करते थे। सहमत हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हास परिहास बिल्कुल नहीं होती। अभी जैसा मैंने कुछ नहीं कहा था, आप आज बहुत गंभीर हैं। नहीं, आज मैंने कुछ नहीं कहा था तो भी मेरा नाम आ गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये इतिहास में यह परंपरा आपने बनाई है कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब का बहुत दिन तक आपने बहिष्कार करके रखा था संसद में, लेकिन मैं उसको उदाहरण नहीं मानता। मैं ऐसे चीजों का पक्षधर नहीं हूं। मैं माननीय अध्यक्ष जी मुझे जो व्यवस्था दें, मैंने जो सजा देंगे उसको भी मानने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल मैं उन परंपराओं के प्रति आग्रही हूं, ये बात मैं बोल रहा हूं गंभीरता से बिना किसी दुख के। अब जॉर्ज साहब का पार्लियामेंट में कब हुआ था, अब उसको उदाहरण लेकर के, मैं उससे सहमत नहीं हूं बोला, लेकिन इस बात के लिए कह रहा हूं कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की सजा को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं प्रश्न नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो आपसे भी और आपके दल से, एक तो पहली दुर्भाग्य ये है कि आपकी प्रथम पंक्ति पूरा खाली है। मैं आपसे मैं निवेदन करता तो आप निर्णय लेते, लेकिन आपने कहा कि विधायक दल का निर्णय है, तब चूंकि प्रथम पंक्ति खाली है तो मैं किससे आग्रह करूं? को छोड़िए, हम सक्षम हैं। और यदि आप सक्षम हैं तो थोड़ा उदार बनिए, आपका सम्मान और हम सबका सम्मान बढ़ेगा। बिल्कुल आपका सही है, सदन का सम्मान बढ़ेगा। सदन में जिस तरह का की भाषा इस्तेमाल की गई, जिस तरह का कहा गया और जिस तरह की चीजें हुई, दुर्भाग्य से उस समय आप खड़े नहीं हुए इतनी उच्च भावना को प्रकट करने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक मिनट दीजिए। मैं जब वहां बैठा करता था, यहाँ माननीय आज के नेता प्रतिपक्ष बैठा करते थे, राजेश मुणत का भी ऐसा ही बायकाट हुआ था, धर्मजीत भैया भी उस समय सदन के सदस्य थे। मैंने कहा सदन चलना चाहिए, हम सबकी जवाबदेही है। मैं प्रतिपक्ष का नेता था तब भी मैंने कहा, आपसे भी ज्यादा जवाबदेही मेरी है। और मैंने कहा वो अगर माफी नहीं मांगते तो मैं खेद व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन सदन चलना चाहिए, ये चर्चा का स्थान है। आप प्रश्न करें, आप चर्चा करें, हम आपका सम्मान करते हैं। बातें हो जाती हैं हास परिहास में, हम पक्ष और विपक्ष में बैठे हैं, प्रतिपक्ष की बातें होती हैं, कुछ सकारात्मक बातें होती हैं, कुछ नकारात्मक बातें होती हैं। आपके सुझाव, बहुत सारे सुझाव हम मानते हैं, और आप और हम दोनों मिलकर इस प्रदेश का विकास चाहते हैं, तो आप अपना प्रश्न क्यों नहीं करना चाहते? आप अपनी बातों का सदन में रखना क्यों नहीं चाहते? आप मैं तमाम दलीय प्रतिबद्धता से हटके माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों का संपूर्ण आस्था और विश्वास और सम्मान करते हुए, आपकी हर बात से भी सहमत होते हुए, आपके माफी के प्रति नहीं है ये विषय, विषय ये है ये घटनाएं निरंतर होना। हम दुश्मन नहीं है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आपके खिलाफ कल विशेषाधिकार भंग की नोटिस दी है मैंने, आपने उसमें बहस की मांग की, ये स्वस्थ परंपराएं हैं, लेकिन स्वस्थ परंपराओं में अपमानित करना स्वस्थ परंपरा नहीं है, और लगातार अपमानित करना स्वस्थ परंपरा नहीं है सदन की। पांच सदस्य ने नहीं, प्रत्येक सदस्य ने उसको अनुभव किया किसी भी बात में कि साहब यह लगातार इस तरह की भाषा, और भाषा में ही नहीं सारी चीजों में। इसलिए मैं तो सजा के लिए तैयार हूं,
मैं बहुत विश्वास करता हूं, मैंने आज बता देता हूं जो मुझे बोलना नहीं चाहिए कि कल हम प्रश्नकाल बाधित करना चाहते थे, नहीं हुआ, ये सौभाग्य है मैं प्रश्नकाल चले इसका हमेशा समर्थक आदमी रहा हूं, वो अवसर नहीं आया कि प्रश्नकाल कल शोक कंडोलेंस में निकल गया। लेकिन ये घटनाओं के लिए आप यदि संसदीय कार्य मंत्री हैं, यह सुनिश्चित करते हैं तो माफी विषय नहीं है, यह सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह का व्यवहार सदन में नहीं होगा उसके द्वारा, या आप उसके तो जगह आप उत्तर देंगे तो मैं पूछता हूं अभी। माननीय धर्मजीत जी कुछ कहना चाहते हैं। देख जी ये कैसी परंपरा होगी, मैं उनकी जगह उत्तर दूंगा। देख जी अध्यक्ष महोदय मेरा इसमें निवेदन, एक मिनट आप फिर बोलो। सदन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां बनती हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वाद विवाद या टकराव की स्थिति बन जाती है, उन चीजों में कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो व्यक्तिगत किसी सदस्य को दिल के अंदर ठेस पहुंचाती है। इस सदन में इसके पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उनके मंत्री का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था और विपक्ष में रह करके हम लोगों ने उनका बाइकाट किया था और उस बाइकाट के दौरान उनसे ना कोई प्रश्न पूछा जाता था ना उनसे कोई बात की जाती थी। बाद में वो मसला हल हुआ संसदीय कार्य मंत्री और अध्यक्ष महोदय के हस्तक्षेप के बाद। इस सदन में भी माननीय शिव डहरिया जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक अपना निर्णय लिया, उस निर्णय में उनसे प्रश्न नहीं पूछने का उन्होंने निर्णय लिया। मेरा इस संदर्भ में निवेदन ये है कि जब इस प्रकार की कोई बात उठी है तो उसके लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे विनम्र आग्रह था और अभी भी है और आगे भी रहेगा कि आप इस सदन के सबसे ज़्यादा वरिष्ठ सदस्य हैं और आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, हर बात को अध्यक्ष जी करें ये भी उचित नहीं है। अगर आपकी पहल होती दोनों ही पक्षों के बीच में उनके क्या मतभेद हैं या किन बातों पर आखिर ये मसला बना, अगर उसका प्रयास किया जाए तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें टल सकती हैं। सदन में व्यक्तिगत किसी की कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है होती अध्यक्ष महोदय, ये तो एक मंच है जिसके माध्यम से हम बात करते हैं, कभी ऊपर नीचे बात हो जाए तो उस ठेस को दूर करने का भी प्रयास होना चाहिए। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय पर आप पहल करें और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मंत्री के बीच का जो मसला है या अन्य किसी का भी और कोई मसला हो उसको एक बार हल करिए, क्योंकि हम सदन में आके अगर स्वस्थ चर्चा करेंगे तभी इस सदन की सार्थकता है। अध्यक्ष महोदय ये हमारे व्यक्तिगत राग या द्वेष की जगह नहीं हो सकती, ये मेरा आग्रह है और मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस मसले को अध्यक्ष महोदय के कमरे में बैठ करके निराकरण करें और उसके बाद इसे आगे की नजीर न बनने दें। माननीय जोगी जी, अध्यक्ष महोदय मैं अपन ला ये सदन के सबसे बड़े सियान मानता हूं और उस सियान के हैसियत से हमारा आदरणीय मंत्री शिव डहरिया जी जिन बचपन से मोर संग रहे हैं आज भी है इतनी उत्ती बैठे हैं वो अलग बात है। कहेला मानते कि नहीं माने वही ला बोला था ना, वही ला बोला था तो ये पूरा समस्या के हल हो जाए। आदरणीय मंत्री जी मैं कहा था एक वाक्य बोले माँ आदमी के कद बढ़ते घटे नहीं, आज तक जोन अपन समझौता बार मैं नहीं कहूँ माफी मांग क्षमा मांग ये वापस ले वो वापस ले, एक वाक्य अच्छा सब बोल दे जेमा अजय चंद्राकर जी ला लगे मोला लगे ये पूरा विपक्ष ला लगे और हमर से बढ़ के आदरणीय अध्यक्ष जी ला लगे के मसला खत्म हो गए। तो अगर हमर तुम्हार 30 साल के वास्ता है ओकर से ज्यादा हो ही तय छात्रावास में रहे तब तो ला पकड़े रहे हमें और तब के तो ला उंगली पकड़ के यहाँ तक लाए हाँ, तब मोर निवेदन ला ठुकरावे मत। तो जो कुछ सीखे आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन करत हूँ जैसे बोलना है तोला, मैं नहीं कहा माफी मांग मैं नहीं कहा क्षमा मांग मैं नहीं कहा अपन शब्द ला वापस ले, मैं तोर सियान हो के
तौर संरक्षक होके तय हमार आदरणीय मंत्री हस तौर से निवेदन करत हूँ, एक वाक्य मीठा बोल दे और हम सबला संतुष्ट कर दे तो पटाक्षेप हो जाही। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजय चहु और एला जाना था चौपाईला ओही ला बोल दे। चलिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी सर, लेकिन चंद्राकर जी को भी थोड़ा सुधारने के लिए बहुत बोलते हैं। आप इसको अब डिस्टर्ब मत करिए। माननीय मंत्री जी को बोलिए, मोर इज्जत रख दे, मोर इज्जत रख दे, एला खत्म कर। आप बोलिए क्या सर। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय चंद्राकर जी हमारे पुराने साथी हैं और मेरे मन में उसके प्रति बहुत श्रद्धा है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। निश्चित रूप से वे हमारे सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य भी हैं और पुराने मध्य प्रदेश में भी रहे, संसदीय कार्य भी मंत्री रहे हैं। मेरे मन में उनके प्रति पूरी श्रद्धा है। अब पक्ष विपक्ष में नोकझोंक ये संसदीय प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया। मैं सारे विपक्ष का सम्मान करता हूँ, मैं नेता प्रतिपक्ष जी का सम्मान करता हूँ और सारे सदस्यों का, जहां तक हमारी सरकार की तरफ से जो सहयोग हो सके मिल सके वो भी मैं अपनी तरफ से करता हूँ। लेकिन पक्ष विपक्ष में कभी नोकझोंक हो जाया करता है तो उनको दिल से ना लें। मेरा सभी सदस्यों के प्रति पूरा अगाध श्रद्धा है और आदरणीय योगी जी हमारे वरिष्ठ सदस्य है, मुख्यमंत्री भी रहे और निश्चित रूप से वो जब कलेक्टर थे यहाँ के, तब हम लोग छात्रावास में पढ़ते थे और राजनीति जब हम लोग शुरू करते तो सबसे पहले ये रात को 2 बजे कलेक्टर के रूप में इनका घेराव हम ही लोगों ने किया था और उस समय भी अच्छा काम करते थे, आज भी अच्छा काम करते हैं, उनके प्रति भी मेरी श्रद्धा है। लेकिन छात्रावास में पकड़े रही समोला तो बोझ के बहुत टाइम लगी से, लेकिन उनके प्रति मेरी श्रद्धा है और सारे सदस्यों के प्रति मेरी श्रद्धा है और मैं उन सबका सम्मान करता हूँ। थोड़ा अजय, चलो अजय एक बात कह देता हूँ, दारू चढ़ के उतर जाती है, पैसा चढ़ के उतर जाए तो उतरता नहीं। आप अपने नशे में जीते हैं, हम तो थोड़ी शरारत कर लेते हैं। मैं चंद्राकर जी का और सारे सदस्यों का सम्मान करता हूँ। चल चंद्राकर जी पूछ लीजिए, चंद्राकर जी आप चलिए, आप पूछ लीजिए, अब बोल दिया उसने। हमने अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ तो लूंगा, हमने दल से निर्णय लिया था इस बात का, आपके दल की तरफ से आप पूछ लीजिए, दल क्या कर रहे हैं। चलिए दल जी, दल के नेता प्रतिपक्ष, आप उनको इजाजत दीजिए, सुब्रतन जी छोड़िए, पूछता हूँ। हमारे पटाक्षेप हो गया, रहने देना, पटाक्षेप हो गया, रहने दो, मेरा कहना मान। एक मिनट बोलूंगा मैं। हम लोगों ने जो विधायक दल से निर्णय लिया वो एक घटना से घटित होने से निर्णय नहीं लिया। पिछले 14 महीने से सत्र में जितने भी सत्र के दौरान घटनाएं घटी, व्यक्तिगत रूप से हमने आपको भी अवगत कराया, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को भी अवगत कराया, और जब उस पर सुधार नहीं हुआ तो हमको अपने दल से निर्णय लेना पड़ा। ये स्थिति निर्मित ही नहीं होती। जब हम आपको मौखिक रूप से बता रहे थे कि भाई साहब ये हो रहा है, इसको ठीक करवाइए, भाई ठीक है, हमारी दलित प्रतिबद्धता अलग अलग हो सकती है, नेता प्रतिपक्ष, पर हम पूरे प्रदेश का विकास चाहते हैं, कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो है नहीं एक दूसरे के। नेता प्रतिपक्ष जी, तो इसमें से भी थोड़ा सा ये करना चाहिए, आप लोगों ने मौखिक बातों को ध्यान। आदरणीय कौशिक जी बोल रहे, उसके बाद प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कई अवसर आए हैं और जब मैं आसंदी भी रहा तो भी एक अवसर आया, पक्ष प्रतिपक्ष सभी सम्माननीय का उतना ही सम्मान है और कोई बात आ जाए तो उसका समाधान भी यही होना है। किंतु किसी बात को लेकर के सामान्यतः प्रश्न में
या किसी विषय में चर्चा में कई ऐसे अवसर आए जिस पर हम लोग सीधा ये चाहते हैं कि प्रश्न है तो प्रश्न के ऊपर जवाब हो, उसका उत्तर आए, लेकिन ऐसे कई व्यवधान उसमें जाति सूचक आया और उसमें लिख के भी दिया गया आया है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि हम पक्ष विपक्ष लड़ते रहेंगे, जनता के हितों के लिए है, आप भी जनता के हित के लिए है, हम लोग भी जनता के हित के लिए है, तो जो बातें आई है उसका समाधान होना भी चाहिए। लेकिन खास करके मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, एक बार आपसे जो बात हुई थी अजय चंद्राकर जी बात हुए थे और उसमें एक जाति को लेकर के बहुत समय तक वो विषय चला कि आपने जाति के कारण में कहा है करके, इसमें माननीय धर्मजीत सिंह जी हमारे सम्मानित सदस्य के ऊपर भी एक आरोप लगा। वास्तविक में यदि चाहते हैं कि इस बात का मिट आउट होना चाहिए तो आप आसंदी पे बैठे हैं, आपके ऊपर हमको पूरा भरोसा है, आपके संरक्षण में हम लोग काम करते हैं, बाकी सारे शब्दों का उपयोग करें, लेकिन जाति सूचक के ऊपर में किसी के ऊपर आरोप न लगाए। मैं इस जाति का हूं इसलिए आपने कहा है, यदि ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित होगी तो उस स्थिति पे हम सबको विचार करना पड़ेगा। और इसलिए यदि समाधान चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि ऐसे शब्दों का उपयोग आज के बाद में हाउस के अंदर में कभी भी जाति सूचक किसी को, चाहे इधर से उनको खराब लगे या उधर से इनको खराब लगे कि आपने आरोप लगाया, आप उसमें गलतियां निकालिए ना कि आप जवाब ठीक नहीं दे रहे हैं, हम बोलेंगे कि आप डाइवर्ट कर रहे हो, ये सारी बातें करें, लेकिन उसको ला करके जहां पर स्थिर करते हैं कि मैं इस जाति का हूं इस कारण आप बोल रहे हैं, वो सबको पीड़ा होती है और ये पीड़ा से हम सबको निकलना चाहिए, बचना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए गलतियों को, और गलतियों को स्वीकार करके बड़े मन से उसको स्वीकार करें और गतिरोध समाप्त होना चाहिए। मैं चाहता हूं इस विषय में अन्य अध्यक्ष महोदय आपके प्रति धन्यवाद, संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति धन्यवाद, नेता प्रतिपक्ष के प्रति धन्यवाद, जोगी जी ने भी बात कही धन्यवाद, आप सारे सदन के वरिष्ठ हैं, आप लोगों के एक एक शब्द से परंपराएं स्थापित होती हैं, आप लोगों का सुदीर्घ अनुभव है, मैं उस भावना का सम्मान करता हूं। मुझे इस प्रश्न का संशोधन मिल गया है और प्रश्न में जो भी उत्तर आया है उससे मैं संतुष्ट हूं। प्रमोद कुमार सिंह शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है आबकारी विभाग से, जो उड़न दस्ता दल जो बनाया जाता है क्या वो अपना काम अच्छे से कर पाते हैं? तिल्दा नेवरा एरिया में खुलेआम ओवर रेट शराब की बिक्री हो रही है और ये उड़न दस्ते की टीम क्या कर रही है, अभी तक क्या कोई कार्रवाई हुआ? माननीय अध्यक्ष जी, अगर सदस्य का कहीं शिकायत है, हमारा सरकार और उड़न दस्ता हमारा विभाग ठीक काम कर रहा है, अगर कहीं शिकायत है तो बता दे तो हम उसके ऊपर। माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़न दस्ते की टीम में ही जवाब में आया कि बहुत सारे उड़न दस्ते टीम के ऊपर कार्रवाई भी हुई लेकिन पुनः उसको उसी स्थान पे पुनः चार्ज दे दिया गया। मैं यही मंत्री जी जानना चाहूंगा, जब आरोप सिद्ध होने के बाद उनको पुनः चार्ज क्यों दिया जाता है उनको? अभी उसके ऊपर कार्रवाई चल रहा है, अगर उसका हम लोग उसको जो सजा के लिए हम लिख दिया है, अगर वो वहां से आएगा तो उसको हम कार्रवाई करेंगे। दलेश्वर साहू जी। प्रेस क्रमांक चार, दलेश्वर साहू। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न था स्वच्छ भारत मिशन के तहत खरीदारी के संबंध में, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो राशि उसमें आपने मॉडल शौचालय डस्टबिन नहीं खरीदे हैं तो क्या क्या खरीदारी किए, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। इस मद का खर्चा आपने कहां कहां किए, कौन से मद में किए, कौन से कार्य में किए, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न है, SBM स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगरीय निकाय राजनांदगांव में कौन कौन सी खरीदी 2018 में की है प्रश्नावधि तक,
तो मेरा जवाब है कि उस संबंध में कहीं कोई खरीदी इस मत से नहीं की गई है। मैं तो आप कहीं मत का तो उपयोग किए होंगे मंत्री जी, वो बता दीजिएगा, या तो नहीं खर्च किए हो, पैसा पड़ा हुआ तो कितना पैसा बचा है वो बता दीजिएगा, कहीं ना कहीं उपयोग तो किए होंगे दो साल के अंतर्गत में। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने बहुत सारी खरीदी की थी और उस सरकार के द्वारा जो खरीदी की गई थी, एक साल की खरीदी कई साल के लिए कर ली जाती थी, दो साल तीन साल के लिए खरीदी भी हुई थी, और अभी हमारे पास सामग्री है तो हम इसलिए उस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अभी तक कोई खरीदी सरकार में हमने नहीं किया है राजनांदगांव में। सौरभ सिंह, माननीय सौरभ सिंह, बस अध्यक्ष महोदय जी, मैं राशि पूछना चाह रहा हूँ, बचा है कि नहीं खर्चा या समान। अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी, आप बता दीजिएगा कि आप क्या पैसा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में आया है कि जांजगीर चांपा जिले के पिछले वित्तीय वर्ष के 3 महीने और इस वित्तीय वर्ष के 10 महीने में जो देसी शराब की बिक्री हुई है वो 20% कम हुई है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, सिर्फ देसी शराब, इस देसी शराब की आपूर्ति किस डिस्टरी से की जा रही है जांजगीर चांपा जिले में, 20% की कमी आई है। पीने में आई है कमी की सप्लाई में आई है? नहीं, वही प्रश्न उसी में आ रहा है, पीने में कमी आई है ये बोल रहे हैं करके, हम उसको बोल रहे हैं कि सप्लाई में कमी आई, पीने वाले तो बढ़ रहे हैं, 35% लोग प्रदेश में। अध्यक्ष जी, नंबर वन है छत्तीसगढ़। अध्यक्ष जी, जांजगीर, हाँ मैं इसीलिए कह रहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जांजगीर जिले में देसी दारू पीने में कमी आई है, आसंदी भी चिंतित है माननीय अध्यक्ष। बिल्कुल हो सकता है देसी कमी हो और विदेशी बढ़ गया हो। माननीय अध्यक्ष, सब में कमी आई, उसमें भी कमी है, किस डिस्टिलरी से सप्लाई होती है करके, देसी शराब किस डिस्टिलरी से सप्लाई होती है, ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता है अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न उद्भूत इसलिए नहीं होता, उसका कारण ये, 20% शराब की बिक्री कम हो गई, अगर शराब की बिक्री 20% कम हो गई, राष्ट्रीय औसत ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री है, इसका यह मतलब है पीने वाले तो बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, पीने वाले छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, पीने वाले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो तीन तरह से शराब आ रही है, या तो शराब डिस्टिलरी से बिना परमिट के आके बिक रही है, या प्रदेश की बाहर की शराब आ रही है करके, या देसी शराब बन रही है वहां पर, नंबर दो की शराब। अरे भैया, तीन मामला है, इतना महुआ का बनवाओगे वहां तो शराब कौन खरीदेगा, ये तीन मामला है। आपकी चिंता से मैं भी चिंतित हूँ, मगर इस बात की मुझे खुशी है कि वहाँ देसी या विदेशी खराब की खपत कम हो रही है, इसका स्पष्ट ये दिखता है कि वहाँ पीने वाले कम हो रहे हैं। प्रश्न क्रमांक, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर प्रश्न है, ये गंभीर प्रश्न है, जो बात हम बार बार बोल रहे हैं कि बिना परमिट के शराब बिक रही है, चलिए बिना परमिट के शराब, माननीय मंत्री जी बता के राजी नहीं है कि किस जिस तरह से शराब सप्लाई हो रही है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप वहाँ विशेष रूप से अपना उड़न दस्ता बना के चेक करा लीजिए कि कहीं बाहर से शराब तो नहीं आ रहा है, ठीक है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पीने वाले बढ़ गए तो खपत कैसे कम हो गया? अच्छा, उसमें गल्ला एक रखते हैं कि दो रखते हैं? ये लोग बता रहे हैं कि दो एक उसकी पेटी एक दूसरी पेटी कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी जो बिक्री आता है दो गल्ला पे बिक्री रखती है। मैं ऐसा समझता हूँ, दो गल्ला माननीय अध्यक्ष महोदय, पीसीएम लिखा रहता है उसमें कि माननीय अध्यक्ष लेते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार समाचार पत्रों में छपा है और इनके विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की है कि यहाँ के दुकान में दूसरे प्रदेश के दारू के बिक्री हो रही है, उसको पकड़े भी है, उस पर कार्रवाई भी किए हैं, और ऐसा ना हो कि दूसरे प्रदेश के दारू को ये बेच रहे हैं अपने दुकान में, उसका गल्ला जो बता रहे हैं अलग रखे हुए हैं, और इसके कारण राजस्व की हानि जो प्रदेश को हो रही है, शराब पीने वाले की कमी नहीं हुई है, ये गलत बोल रहे हैं, इनकम को बता रहे हैं, उसमें पूरे प्रदेश का आप देखेंगे तो 500 करोड़ रुपए का बढ़ा है,
एक जांजगीर चांपा में कम हुआ ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन ये दो नंबर के दारू बिना परमिट के दारू दुकान में बेच रहे हैं उसके लिए क्या उपाय करेंगे, उसमें मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। नहीं नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी संरक्षण में अवैध शराब बिक रहा है, सरकारी संरक्षण, ये तो और गंभीर बात है, ये बहुत ही गंभीर विषय है, ये छोटा मोटा विषय नहीं है, और दो गल्ले वाली बात की जांच होनी चाहिए। दो पेटी कैसे रखा जाता है, दो पेटी में कौन कौन सा, एक अवैध के लिए एक वैध के लिए कहा जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक यदि सदन के अंदर बोल रहे हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए, दोनों विधायकों ने गंभीरता से इस बात को कहा है कि दो पेटी रखी जाती है शराब दुकान। चलिए मैं जांच करवाने के लिए सदन की कमेटी बना दीजिए, जांच नहीं नहीं हम जांच कराएंगे माननीय अध्यक्ष जी, आपका आदेश जब भी ऐसा सीखा जाता है तो करते। अभी उनका माननीय अध्यक्ष महोदय, दो विधायक गंभीरता से कह रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को कहा कि सरकारी संरक्षण में अवैध शराब बिक रही है और दो पेटी वहां रखी जाती है दुकान में, एक अवैध के लिए एक वैध के लिए, यह बहुत गंभीर विषय, यदि सदन की जांच है तो इसके सदन की समिति से जांच करानी चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जिला का माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जिले का माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं नहीं ये गंभीर मामला है, मामला ये गंभीर है, नहीं इसके साथ आपके दुकान में बिना परमिट के दारू बेच रहे हैं, दो पल्ला के पेटी रखे हुए हैं, आप मंत्री के आश्वस्त करेंगे क्या, नहीं मंत्री के आश्वस्त करेंगे क्या, हमारे विधायक दल के कमेटी के द्वारा जा करके किसी भी दुकान में चेक कर सकते हैं, स्टॉक के चेकिंग कर सकते हैं, ये बाबा जी आश्वस्त करेंगे क्या, या जिला के एक टीम बनाएंगे हर जिला में, और जिला के टीम बनाएंगे उसमें नाम हम लोग भी देंगे, और किसी भी दुकान में जाकर के वो चेक करके स्टॉक को उनके चेक कर सके, मंत्री जी आश्वासन यहाँ पर आश्वस्त करेंगे क्या, ये पूरे प्रदेश में मान ये चल रहा है, पूरे प्रदेश में आप लोग कितना बार समिति बनाए 15 साल कमेटी बना करके किसी भी आप दुकान के जो स्टॉक है उसको चेक कर सके, मंत्री जी नेता जी यहाँ पर आश्वस्त करेंगे, शराब मंत्री जी का जवाब आ जाए, आश्वस्त करेंगे मंत्री जी का जवाब आ जाए, जवाब आ जाए माननीय मंत्री जी कुछ जवाब दे रहे हैं आप, मंत्री जी का जवाब आ जाए, नहीं आप बैठ रहे हैं हम गले चुप बैठे छत्तीसगढ़ में जब भी कोई पेपर माता है कुछ सीखा जाता है हम जांच करते हैं, ये जो समिति जो बोल रहे हैं ये असत्य है, हम उसका जरूरत नहीं है, समिति का नाम बताइए, मैंने माननीय अध्यक्ष ये डिक्शनरी का नाम बताने को तैयार नहीं है, पूरे प्रदेश में दो नंबर का शराब बेच रहे हैं, कार्रवाई के नाम पर केवल प्लेसमेंट एजेंटी के एजेंट ऊपर कार्रवाई नहीं करते, आखिर इतना माल है कहां से ला रहे हैं, कहां खपा रहे हैं, उसका जवाबदार कौन है, और मंत्री जी उसका जवाब कौन दे रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सरकार इनके सरकार के संरक्षण में इनके दुकान में अवैध दारू की बिक्री हो रही है, मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट होकर के हम सदन से बहिर्गमन करते हैं। अच्छा अच्छा ये बोलते हैं कि समिति है, वैसे बोलते हैं ये तो पहले से मालूम था कि भागना है, ये तो पहले से मालूम था कि भागना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के अच्छी ब्रांड की शराब की कमी है छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर नगर पालिक निगम को कितनी राशि प्राप्त हुई, शराब प्रेमियों को अच्छी ब्रांड की शराब और बियर भी मुझे इसका उत्तर भी मिला है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जगदलपुर नगर पालिक निगम में व्यक्तिगत शौचालय के लिए क्या आवेदन लिए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की हमारे विभाग में व्यवस्था है और निश्चित रूप से उसके लिए आवेदन लिए जाते हैं, प्रति शौचालय 19,200 रुपये का प्रावधान है सरकार की ओर से, जिसमें 2,000 रुपये हितग्राही का शेयर भी रहता है। रेखचंद जी, माननीय मंत्री जी,
अभी एक वर्ष से जगदलपुर नगर पालिक निगम में लोग आवेदन लेकर घूम रहे हैं, लेकिन वहां पर आवेदन नहीं लिया जा रहा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए। और जो आयुक्त महोदय हैं वो डबल चार्ज में हैं, ऑफिस में बैठते नहीं, जनता परेशान है। तो मैं चाहता हूं कि व्यक्तिगत शौचालय जो स्वच्छ भारत मिशन का मेन लक्ष्य है, हर घर में शौचालय होना चाहिए, ये प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। और जगदलपुर नगर निगम को ODF घोषित कर दिया गया है, लेकिन आज ODF की स्थिति नहीं है। शौचालय बनना बहुत जरूरी है, और 48 वार्ड में 30 वार्ड स्लम बस्ती है जहां गरीब परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस मामले पे कुछ कार्रवाई करें। माननीय सदस्य जी ने कहा कि एक साल से आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय हमारे जो आयुक्त हैं वो अगर जानबूझ के आवेदन नहीं ले रहे हैं तो उस मामले को हम दिखवा लेंगे, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए, भी सुनिश्चित। प्रश्न क्रमांक 7 केशव प्रसाद चंद्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न छत्तीसगढ़ में देसी विदेशी शराब दुकान पे और किस कंपनी से सरकार खरीद रही है, इस पर है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड में 70 कंपनी का जो है पंजीयन है, और 2017-18 में इन्होंने 42 कंपनी से शराब खरीदा, 2018-19 में 47 कंपनी से शराब खरीदा। जब 70 कंपनी पंजीकृत हैं आपके उसमें, तो आप केवल 42 और 43 से ही क्यों, 47 से ही क्यों शराब खरीदे, बाकी कंपनी से क्यों शराब नहीं खरीदे? और ये जो 70 कंपनी है इसमें छत्तीसगढ़ की कितनी कंपनी है, या छत्तीसगढ़ के कितने फैक्ट्री हैं जिनसे आप शराब लेते हैं, ये बता दीजिए। ये हमारे शराब कंपनी वाले हमारा ये सरकार के पास आवेदन नहीं करते हैं, एक कंपनी बना हुआ है। पहले दारू दुकान में भी कंपनी, जब प्राइवेट बीता था कंपनी बेचता था, अभी भी सरकार नहीं बेच रहा, कंपनी के पास आवेदन करते हैं और मांग जो आएगा उस आधार पर लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछूंगा किससे भाई, कंपनी तो आपका है ना, सरकार का, सरकार दारू बेच रहा है, सरकार शराब बेच रहा है। मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि आपने 70 कंपनी का जो है बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पंजीकृत किया है, और आप जो है 42 कंपनी से 17-18 में और 18-19 में 47 कंपनी से आपने शराब खरीदा, बाकी कंपनी से आपने शराब क्यों नहीं खरीदा? माननीय अध्यक्ष, दूसरी चीज, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्नोत्तर का सुने के बाजू में बैठे उसका सुने, उसका तो दिमाग ही काम नहीं करेगा, दोनों तरफ के सुनने। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका भी सुने, किसका भी सुने, किसका उत्तर दो, फंस जाएंगे वो तो। चलिए, मेरी व्यवस्था है, इसीलिए कहा गया आप थोड़ा सहयोग करें। 70 कंपनी में छत्तीसगढ़ की कितनी कंपनी है, मैं जानना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए, इस मामले में माननीय अकबर जी को ज्यादा अतिरिक्त जानकारी है, मैं उनसे कहता हूं कि वो उनकी तरफ से जवाब दें। छोटा सा प्रश्न माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग अध्यक्ष जी आप दिलवा दीजिए उत्तर, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन आपकी ही व्यवस्था थी, ये मेरी व्यवस्था। एक बार उनको अवसर दे दिया गया था, आज फिर दोबारा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी अभी क्योंकि इतने लंबे चौड़े और उलझन वाले प्रश्न है, उदाहरण बनना बने, ये मैं आज की व्यवस्था के लिए व्यवस्थित किया हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी कंपनियां माल नहीं रखती, पहले तो इनका पंजीयन होता है, रेट ऑफर के आधार पर पंजीयन किया जाता है, उसके बाद अलग अलग ब्रांड की जो डिमांड होती है उसके हिसाब से उसको मंगाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, डिमांड के हिसाब से शराब नहीं मिला सर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिमांड के हिसाब से शराब नहीं मिला सर जी। इनका मूल प्रश्न है, उसका प्रश्न आने दीजिए। छत्तीसगढ़ की कितनी कंपनी है, आपने कहा मांग के आधार पे देते हैं, तो ये कौन कौन कंपनी है जो आपको माल नहीं दे रहे हैं और आप उनसे मांग किए हैं? आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये जो सरकार शराब बेच रही है, आरोप इसी ऊपर है कि ये जो बड़ा खेल छत्तीसगढ़ में शराब के ऊपर हो रहा है और सरकार के द्वारा की जा रही है। आप बताएं ना भाई, 70 आप कंपनी से क्यों नहीं खरीद रहे हैं जब आपने पंजीयन कराया है? तो देखिए माननीय अध्यक्ष, पंजीयन के लिए कोई बंधन नहीं है खाली छत्तीसगढ़ का, ये पूरे देश के जो भी चाहते हैं वो अपना रेट ऑफर के आधार पर अपना पंजीयन करा सकते हैं।
और जिनको पंजीयन कराना है उससे लिया जाता है, लेकिन ये बहुत विस्तृत जानकारी है, यदि आपको चाहिए तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। केवल 70 है, आप बता दीजिए 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, 20 है, छत्तीसगढ़ की 10 कंपनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, डिमांड के हिसाब से भी आप जवाब दिए, डिमांड के हिसाब से बलौदा बाजार में नंबर वन का शराब आज तक नहीं बिक रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायकों को नहीं मिल रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, गंभीर प्रश्न है, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। कितने परसेंट प्रॉफिट पे अपने दुकान में बेचती है, उसमें कितने परसेंट कमाई करके सरकार उस शराब को बेचती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रॉफिट वगैरह के बारे में गणना की जरूरत है और ये इसमें प्रश्न में है नहीं। आपने कंपनी का पूछा, 10 कंपनी छत्तीसगढ़ की है, आपको बता दिया। एक तो आप सब लोग शराब बंदी की बात करते हैं और शराब के बारे में इतना बहस करना चाहते हैं। कि भाई एक तरफ शराब मामले की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जिला आपने शराब की कमेटी बनाया, कमेटी का बैठक नहीं कर रहे हो, शराबबंदी आप कर नहीं रहे हो, आपने शराब की पा रहे हो। केशव चंद्र जी, केशव जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये हमारे एक मिनट, एक मिनट, बहिष्कार के बाद इनको बोलने का हक कहाँ से आ गया? केशव चंद्रा जी, अब मेरे ख्याल से आपका शराब से कोई लेना देना नहीं है, इतने आप उसमें गमगीन मत हो जाइए। मान्य चंद्राकर जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना राजस्व, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना राजस्व आ रहा है, इतना राजस्व आ रहा है कि सरकार आंकड़े भूल गई, आंकड़े भूल गई है। ये परिशिष्ट में है कि जिनको भुगतान किया गया है उसमें रुपया लिखा है, 1000 रुपया है कि लाख है कि करोड़ है कि अरब है, कितने में भुगतान, कितना भुगतान किया गया है यह मैं जानना चाहता हूं, रुपया भर लिखा है तो आंकड़े पार हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और दूसरा, 100% यदि हम खरीदते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो कंपनी है उनके सप्लाई का प्रतिशत कितना? माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लाई का प्रतिशत मांग के आधार पर ही निर्धारित होता है। कितनी मांग होगी, छत्तीसगढ़ की 10 कंपनियां हैं, जितनी मांग होगी उसके हिसाब से सप्लाई होगी। अब जितनी मांग के आधार पर जो है वो पूरी विस्तृत जानकारी उसमें दिया हुआ है। क्या होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा डिप्लोमेटिक उत्तर है, इसमें कौन डिमांड क्रिएट करेगा? मुझे ब्लैक लेबल पीना है, ब्लू लेबल पीना है, ग्रीन लेबल पीना है, करके देसी पीना है, पौवा। चंद्राकर जी, आपकी कंपनी का शामिल है कि नहीं? प्राथमिकता इसलिए बहुत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के कंपनियों से डिमांड क्रिएट होने का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है उसमें। या तो वो सरकार जब ये बता रही है कि डिमांड के आधार पर है तो डिमांड क्रिएट कैसे होता है, ये बताएं। मूल प्रश्न इस तरह डिमांड क्रिएट होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डीओ डिमांड क्रिएट करता है, डीओ करता है छत्तीसगढ़ मार्केट। मैं जवाब दे रहा हूँ, ननकी राम जी कंवर बोलेंगे, सीनियर आदमी बोल लेने दीजिए। नहीं, मैं क्या जवाब दे देता हूँ? नहीं नहीं, मैं दे रहा हूँ जवाब, मैं दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, आपकी सरकार ने नशाबंदी का घोषणा किया था, दारू बेचने का बंद करने का, तो उसको लागू क्यों नहीं किए? माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान के बारे में आपने जानकारी चाहिए है, भुगतान रुपया में है। दूसरी बात ये, बजट में लिखते हैं, हजार लिखते हैं, लाख लिखते हैं, करोड़ लिखते हैं, तो रुपया लिखे हैं तो ये आंकड़ा जो दिए हैं वो हजार है। वो पूरा पूरा फिगर पढ़िए ना आप। मैं पढ़ लिया पूरा फिगर, पूरा फिगर पढ़िए आप। और दूसरा ये जो आप में डिमांड की बात, इतना रुपया हजार है कि इतना करोड़ है कि इतना लाख है, ये पूछ रहा हूं। उसका जो डिजिट है उसको आप मिलान करके जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक बात, आप बहुत विद्वान है, जहां पर भी सरकार लिखती है रुपया, हजार में, लाख में, करोड़ में, ये लिखा रहता,
आप बजट खोल के देख लीजिए, लिखा रहता है ऐसा, ये जो डिजिट लिखा है वो हजार में है रुपया, लाख में है ये रुपया, ये लिखा रहता सरकारी दस्तावेज में, आप इसमें क्यों नहीं लिखा? मेरा ये कहना है कि जितना डिजिट होगा उसके हिसाब से, पांच डिजिट होगा तो एक लाख होगा, आप डिजिट को मिलान करो। ऐसा है आप दोनों, दूसरी बात ये कि माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप दोनों विद्वान सदस्य हैं तो ये सर, आप दोनों विद्वान हैं, आप बैठिए प्लीज, आप भी बैठ जाएं। देखिए जब आप लोग इतने चिंतित हैं शराबबंदी के प्रति, यहाँ भी चाहते हैं शराबबंदी हो, तो एक जस्ट मिनट तो शराब में इतनी देर चर्चा की अनुमति नहीं देता इंदु बंजारे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे कभी कभार तो मैं पूछता हूँ, आप बताओगे तो जवाब तो अंतिम अंतिम प्रश्न माननीय जो वरिष्ठ इंदु बंजारे, कोई शराबबंदी कब करेंगे सरकार? बिल्कुल इंदु बंजारे, इंदु बंजारे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि जांजगीर जिले में या कलतरा विधानसभा में, आज पूरा प्रश्न जांजगीर जिले का ही होना है क्या? जांजगीर जिले के कलतरा विधानसभा में कैप्टिव पावर प्लांट और लफार्ज सीमेंट संयंत्र आरएस मेटा के द्वारा सीएसआर मद से जो प्रभावित ग्राम है उनमें कितनी राशि किन किन कामों में खर्च की गई है, इसकी राशि में मैंने जानकारी माननीय मंत्री जी से मांगी थी, उसकी जानकारी मुझे प्राप्त हो गई है, धन्यवाद। मिल गई है। चंदन कश्यप जी, चंदन कश्यप अध्यक्ष महोदय, इसी मेरा प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न, जब मूल प्रश्नकर्ता संतुष्ट है तो उन्हें और पूरक प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। डीओ टाइप ऑफ डिमांड क्रिएट हो गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। चंदन कश्यप का पहला प्रश्न आया है, चंदन कश्यप का सर पहला प्रश्न, बंधक श्रमिकों का पुनर्वास सहायता राशि में क्या किसी प्रकार का संशोधन किया गया है, यदि हाँ तो कब, और पुनर्वास सहायता राशि दिए जाने का क्या निर्देश है, तथा वर्ष 19 में विमुक्त कराए गए शेष 8 श्रमिकों को पुनर्वास राशि कब तक प्रदान किया जाएगा? चलिए आपका ये प्रश्न पहला प्रश्न है ना जी, चलिए इनको पर्याप्त उत्तर दीजिए, पूरा संतुष्ट करिए। हमारे माननीय विद्वान सदस्य ने जो प्रश्न किया है, निश्चित रूप से पूर्व में जो नियम थे माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें पहले 40,000 रुपया तक हमारे राज्य की तरफ से दिया जाता था और 10,000 केंद्र की तरफ से, पहले 50,000 रुपया की राशि बंधकों को तुरंत उपलब्ध करा दी जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने नियम में परिवर्तन किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 17 मई 2016 को केंद्र ने इस संबंध में नियम बनाए थे और नियमों में संशोधन किया है, अब तत्काल सहायता योजना के तहत ऐसे बंधक श्रमिकों को मुक्त किए जाने पर 20,000 रुपया तत्काल देने का प्रावधान है, और इसके अलावा श्रमिकों को जो अमुक्त श्रमिक हैं उनके जो जिन लोग बंधक बनाते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण दायर किया जाता है, और जब न्यायालय में निर्णय हो जाता है उस स्थिति में पुरुष श्रमिक को 1,00,000 रुपया प्रति श्रमिक दिए जाने का प्रावधान है, और महिला एवं बच्चों को 2,00,000 प्रति श्रमिक दिए जाने का प्रावधान है, यौन उत्पीड़ित और ट्रांसजेंडर को 3,00,000 रुपये प्रति श्रमिक दिए जाने का प्रावधान है, और हमारे प्रदेश में प्रत्येक जिले में इसके लिए 10,00,000 रुपया प्रति जिला दिए जाने का न हुआ जो हम जिलों को दे देते हैं, अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो तत्काल उस पर सहायता राशि दी जाती है, और हमारे माननीय सदस्य जी ने कहा है कि जो 104 विमुक्त श्रमिक थे उसमें से 95 श्रमिकों को सहायता राशि मिल चुकी है, मात्र 9 सदस्य हैं, 8 वो बता रहे हैं, 8 एक और है, 9 सदस्य हैं जिनको अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है, इसके लिए संबंधित जिले के कलेक्टर से लिखा गया है, उनका बैंक खाता नहीं होने के कारण और बाकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उनको सहायता राशि नहीं दी गई है, कलेक्टर से कहा गया है कि उनको प्रक्रिया पूर्ण करके तत्काल सहायता राशि दे दी जाए और वो जल्दी उनको मिल जाएंगे। एक मिनट विधायक जी, माननीय मंत्री जी अभी आपने बताया कि वहाँ ट्रांसजेंडर श्रमिक हैं,
तो क्या ये नौ वही ट्रांसजेंडर श्रमिक तो नहीं है जिनका भुगतान नहीं हुआ? नहीं, वो तो प्रावधान पहले मुझे बताएं कि ट्रांसजेंडर श्रमिक हैं कितने होंगे। नहीं, इस तरह के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर इस तरह के प्रकरण आते हैं तो उनको दिए जाने का प्रावधान है, अगर जानकारी में आए तो बता दें तो उनको भी दिया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन दो ठेकेदारों के विरुद्ध में FIR दर्ज कराई गई है अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कब तक गिरफ्तारी होगी उसका जवाब देंगे आदरणीय मंत्री जी? माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों में प्रावधान है, हमने FIR करा दिया है, उनके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया है और इसमें जो कानून है, नियम है, उस आधार पे उस पर कार्रवाई की। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, जब चालान ही उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है तो फिर चालान कैसे पेश हो गया उसमें? हम ये जानना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जब विवेचना में है तो चालान, अभी माननीय मंत्री जी बोले कि न्यायालय में है, न्यायालय में नहीं है अध्यक्ष महोदय, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, चालान ही पेश नहीं हुआ, फिर कैसे आप गलत कथन कर रहे हैं? फरारी में किया होगा? नहीं नहीं, फरारी में किया होगा नहीं, अपराध क्रमांक उसमें चालान का क्रमांक बता दीजिए आप, कौन सा चालान क्रमांक है वो बता दीजिए आप। FIR दिनांक 20/11/2014 22:10 में FIR दर्ज किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका पंजीयन क्रमांक FIR 173/14 174/14 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कहना है, आप पूछेंगे मरकाम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश से अन्य प्रदेशों में बहुत से मजदूर काम करने जाते हैं, सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है क्या उन मजदूरों का पंजीयन हो, क्योंकि बहुत घटना होने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे प्रदेश के मजदूर हैं, इस देश के साथ अन्य देशों में भी जाते हैं, तो सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था है क्या जो हम पंजीयन करा के अन्य प्रदेशों में भेजे ताकि हमको जानकारी मिल सके? निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे श्रम विभाग में इसकी व्यवस्था है और अगर पंजीकृत ठेकेदार हैं तो उनका पंजीयन किया जाता है और पंजीयन करने के जो नियम कानून हैं उन नियम कानून के तहत पंजीयन होता है, तो उनको श्रमिकों को दूसरे जगह काम करने के ले जाने की व्यवस्था है, लेकिन बिना पंजीयन के कोई ले जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने का ये प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या विमुक्त बंधक श्रमिकों को पुनर्वास सहायता के अलावा शासन से आवास एवं स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार प्रदान करने की क्या प्रावधान है? यदि हाँ तो इसकी जानकारी मंत्री को दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य जी बहुत जागरूक हैं और निश्चित रूप से जो इस तरह के विमुक्त हमारे श्रमिक होते हैं उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो हमारे सरकार की व्यवस्था है, मनरेगा के तहत उनके जॉब कार्ड बनाए जाते हैं, उनके राशन कार्ड बनाए जाते हैं और स्थानीय स्तर पे जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें उनको प्राथमिकता दी जाती है ताकि वो और दूसरे जगह काम के लिए ना जा सके। प्रश्न क्रमांक 10, शैलेंद्र पांडे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे शराब पे बहुत चर्चा हो गई है, हमारे माननीय मंत्री जी बहुत भोले भी हैं वैसे। मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल किया था, उसके जवाब में मंत्री जी ने एक, मैंने पूछा था कि जो रेस्टोरेंट बार है उसमें कितने बजे से कितने बजे तक शराब पिलाई जा सकती है, तो उन्होंने एक आदर्श समय सारणी मुझे दी है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आदर्श समय सारणी से शराब नहीं पिलाई जाती, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं, क्या हम इसको, नहीं जानते इसको रोकने के लिए? माननीय विधायक जी, हम नहीं जानते इसको रोकने के लिए, शराब देर रात तक ना पिलाई जाए इसको रोकने के लिए क्या छापे मारे जाते हैं या ऐसे क्या कदम विभाग द्वारा उठाए जाते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुनिश्चित किया जाता है कि निर्धारित समय में ही बार खुले रहें, लेकिन इस प्रकार की जहां भी शिकायत प्राप्त होती है वहां तत्काल कार्रवाई भी की जाती है। क्या ये निर्धारित समय को आपने आदर्श समय की उपाधि दी है? नहीं, आदर्श वो बोल रहे हैं, आदर्श उनका कहना है, क्योंकि जो समय है इसमें समय तो मैं तो देखता रहता हूँ कि रात रात भर तक कई बार शराब पिलाई जाती है और अखबारों के माध्यम से अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं रात रात भर मैं घूम के देखता हूँ, इनको रात को घूमने के लिए मना करिए आप। क्षेत्र में कार्यक्रम में गए रहते हैं, लौटते रहते हैं, तो वास्तव में NH में स्थित बार भी खुले रहते हैं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, तो गंभीर विषय है, सत्ता पक्ष का एक विधायक 10 बजे के बाद दुकान खुला है, शराब बिक रहे, उसको नहीं रोक पा रहे होंगे, तो बाकी जगह क्या हालत होता होगा आप बता केशव जी। एक मिनट, दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि जो आपने शराब का बेचने का दुकानों में समय निर्धारित किया है और जो बार के खुलने के जो समय है, दोनों जो समय है वो लगभग समान है। आपको दुकानों में बिक्री करने का समय कम करना चाहिए और बार के जो समय है उसमें अंतर होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि दो दो तीन तीन चार चार बजे तक दारू पिलाई जाती है, ये गलत है। माननीय विधायक जी, आप क्या चाहते हैं, 12 बजे दिन के बजाय थोड़ा शाम को खुले दुकान? मैं ये चाहता हूं सर कि शराब को बंद करना जरूरी है, समाज की बुराई है, ये चाहता हूं, ये बुराई है, मैं चाहता हूं इसको बंद किया जाए, लेकिन इसको इस तरीके से बंद किया जागरूक रहते हुए कि क्योंकि होता क्या है, एक बार वाला सोचता है कि बाजू वाला बार वाला तो 12 बजे तक खुलता है, मैं क्यों नहीं खोलूंगा, वो वाला सोचता है 2 बजे तक खुलता है, मैं क्यों नहीं खोलूंगा, ये एक दूसरे को देख के होता है। मेरा सिर्फ ये कह रहा प्रतिस्पर्धा का, कोई नहीं चाहता है हर व्यक्ति अपने घर में जाए, हम चाहते हैं माननीय मंत्री जी जो है वो ऐसा। प्रश्न काल समाप्त, पत्रों का पटल पर। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4th Eye News, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक। 4th Eye News, नजर हर खबर पर। जन घोषणा पत्र में लिखा है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं, अनियमित अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित किया जाएगा। क्या अपने जन घोषणा पत्र का पालन करते हुए आप इन दिव्यांग मितानों और बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं को नियमित करेंगी? ये ऐसी सेवा दे रहे हैं जो और कोई नहीं दे सकता, विकलांगों की सेवा कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, पूरे साल उनको ले जाकर पेंशन दिलाना, उनको अस्पतालों में ले जाना, इस प्रकार के कठिन काम कर रहे हैं, तो बाकी को आप नियमित करें या नहीं करें, इनकी संख्या तो बहुत कम है, आपने खुद ही जो संख्या बताई है वो बहुत कम है, तो इतने कम लोग हैं तो क्या समाज कल्याण मंत्रालय इनको नियमित करने का काम करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी जन घोषणा में है पर अभी विचाराधीन है, और ये पूर्णकालीन कार्य भी नहीं है, इसलिए अभी इसमें पर आपने जन घोषणा पत्र में लिखा है अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मी, ये तीनों में आते हैं, ये अनियमित भी हैं, ये संविदा भी हैं, ये दैनिक वेतन कर्मी भी हैं। आपने कहा कि इस पर विचार चल रहा है, तो बताइए कब तक हमारी आदरणीय महिला मंत्री विचार करती रहेंगी और इसको कार्य में परिणत करेंगी? कोई सीमा, समय सीमा आप बता सकती हैं? ये पूरा राज्य स्तर का मामला है और सभी विभागों का ये मामला है, ऐसा मेरे ही विभाग का नहीं है, तो इसमें विचार चल रहा है और इसका समय सीमा बताना असंभव। आप राज्य सरकार हैं, राज्य सरकार का मामला मतलब आप स्वतः राज्य सरकार हैं। मैं जब आपसे प्रश्न कर रहा हूं तो मैं राज्य सरकार से प्रश्न कर रहा हूं, राज्य सरकार का मामला है कह के आप नहीं टाल सकती। आप बताइए आप ये करने वाली हैं या नहीं? हमारे जन घोषणा में ऐसा है तो सब विचार करके ही इसमें निर्णय लिया जाएगा, इसलिए अभी समय सीमा बताना संभव। आपने जब जन घोषणा बनाया तब तो विचार किया था ना? अभी मेरे ख्याल से
आपने जब जन घोषणा बनाया तब तो विचार किया था कि बिना विचार किए जन घोषणा पत्र में लिख दिया था? विचार करके ही जन घोषणा बनाया गया था, तो उस प्रक्रिया में आने के लिए भी तो अभी समय लगेगा। कितना समय लगेगा? सभी विभाग का एक साथ बैठ के ही विचार किया जाएगा। शिव रतन शर्मा, अच्छा, अरे मेरे प्रश्न अभी आदरणीय, मेरा प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। पहला प्रश्न है, मैं 15 मिनट पहले आ गया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो कृपया मुझे सप्लीमेंट्री पूछने दीजिए। चलिए करिए, पूछिए। मेरे विचार से जन घोषणा पत्र बनाने वाले भी यहाँ नहीं है और उत्तर देने वाले भी अंतिम रूप से नहीं है, संयुक्त जवाबदारी है। मैं समझता हूँ कि आप बाकी मंत्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये आसंति की टिप्पणी सोच लीजिए। आप बीच में ना तो ना, मैं कह रहा हूँ आप माननीय जोगी जी, आप स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अंतिम निर्णय कौन लेता है ये पता है। वो बेचारी नई नई अभी मंत्री बनी है, उसको चमकाइए मत। वो मेरी रिश्तेदार हैं और इसलिए उनको मैं कभी चमका नहीं सकता, नहीं। पर मेरे से छोटी हैं तो थोड़ा जोर से बोल सकता हूँ। चलिए, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना 2002 में चालू हुई थी और 2004 में समाप्त हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृपा पूर्वक इसको राज्य सरकार की योजना बनाकर चालू रखा। सबको दर्द होगा ये सुन के कि इनको 400 रुपया दिन नहीं, 400 रुपया महीना मिलता है। और जब से 400 रुपया मिल रहा है 2002 में मेरे शासनकाल से और आज तक श्री भूपेश बघेल के शासनकाल तक 400 रुपया महीना मिल रहा है, ये कितनी शर्मनाक बात है। हम चपरासी को भी, अपने घर काम करने वाले को भी, जो आजकल रोजी ले रहे हैं, एक मिस्त्री भी 500-600 रुपया दिन कमाता है, ये सरकार, मेरी सरकार भी उसमें शामिल थी 2002 में, भाजपा की सरकार, और अब श्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार। इतना अरसा हो गया, 20 साल हो गए, इनको 400 का 400 मिल रहा है। कम से कम इसको तो बढ़ाने के बारे में आप आश्वासन दीजिए कि 400 सच में निंदनीय है, घृणास्पद है। किसी को 400 रुपया महीना आप दे रहे हैं, ये कितनी खराब बात है। इसको आप कम से कम बढ़ाएंगी ये बात तो कहिए, ये आश्वासन तो दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 13-14 से शायद 100 रुपए उसके यात्रा भत्ता में जोड़ दिए गए हैं, तो 400 से 500 हो गया है। 100 रुपए शुरू से, वो यात्रा भत्ता शुरू से है, मुझे पूरी जानकारी है। हाँ, तो वो 500 हो गया है, मुझे घुमा नहीं सकती मंत्री, 500 हो गया है वो। हाँ। और इनका 100 रुपया यात्रा भत्ता है और उनको महीने में 4 बार बुलाया जाता है, यात्रा भत्ता में ही उनका 200-300 रुपया खर्च होता है, वो 100 रुपये का कोई मतलब नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य का, हमारे वरिष्ठ, हमारे आदरणीय जी का जो चिंता है, वो हम सब की चिंता है, तो आगे हम ध्यान रखेंगे और पूरी ये बात मैं अपने शासन के पास, हम सब कैबिनेट में बैठ के बात रखेंगे। 400 रुपया महीना मतलब 10 रुपया 11 रुपया दिन, लेबर एक्ट का उल्लंघन है अध्यक्ष महोदय। कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसमें लेबर एक्ट लगेगा, श्रमिक शोषण का नियम अधिनियम लगेगा और उसमें कार्रवाई होगी और सरकार के ऊपर होगी। अध्यक्ष महोदय, आप 400 रुपया दे रहे हैं, कोई तरीका है?
अरे बोल दीजिए ना, 1000-2000 रुपया देंगे उसमें, ठीक है ना, हम ध्यान रखेंगे, बोल तो दिए, आगे आने वाले समय में पूरा ध्यान रखेंगे। आज इस सहानुभूति पूर्वक नहीं बल्कि गंभीरता पूर्वक लेते हुए आने वाले समय में अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि इनका जो भी मानदेय है बढ़ाने के बारे में शीघ्र निर्णय लें और अच्छा मानदेय मिले, ये आप सुनिश्चित करें। धन्यवाद। शिवरतन शर्मा जी, अध्यक्ष जी, एक आखिरी 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 इसके बाद नहीं पूछा जी, और इसका संबंध आपसे भी है इसलिए पूछ रहा हूँ। वर्ष 2016 में अधिनियम बनाया गया दिव्यांगों को संरक्षण देने के लिए, और उसमें जो उसका पालन नहीं करता है उसको 6 माह से 5 साल की सजा देने का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि जो व्हीलचेयर पर चलता है उसको किसी भी सार्वजनिक स्थल तक पहुँचने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैं अगर आज अपने सेक्रेटरी जनरल से मिलना चाहूँ तो नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि इन सीढ़ियों में वो सुविधा नहीं, और मैं अगर इसको केस दायर कर दूँ तो 6 महीने से 5 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि क्या आप सख्त निर्देश देंगी कि इस अधिनियम का पालन हो, और जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जितनी सार्वजनिक बिल्डिंग है, उनमें निश्चित हमारे दिव्यांग जनों को व्हीलचेयर में आसानी से जाने की सुविधा हो, जिसमें ये विधानसभा भी शामिल हो। मेरे हिसाब से विधानसभा का अंदर सार्वजनिक स्थान शायद नहीं माना जाएगा, ये सार्वजनिक नहीं है। आप अध्यक्ष महोदय जवाबदारी से बोलिए। नहीं बोल, ये सार्वजनिक नहीं है तो फिर तो कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। नहीं, मैं वो उस दिशा में नहीं बोल रहा हूँ। ये सरकारी बिल्डिंग है और ये जनता के लिए बनाई गई है, जनता के प्रतिनिधियों के लिए बनाई गई। मैं इस कक्ष की बात कर रहा हूँ, नहीं माना जाना चाहिए शायद, फिर भी आपके विचारों को ख्याल में रखते हुए हम कोई इसमें नया विचार शुरू करेंगे, ताकि आप हमारे प्रमुख सचिव से आप इसमें 6 महीने से 5 साल की सजा है, और ये 2016 में मैं जब सांसद था तो मैंने आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल गांधी से लड़कर इस अधिनियम को मैंने खुद ड्राफ्ट किया है। ये मेरे द्वारा बनाया गया अधिनियम है, इसलिए मैं जानता हूं कि पालन नहीं किया जा रहा है और इसका पालन किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी आप जवाब दीजिए, अध्यक्ष जी से मैं नहीं पूछ रहा हूं। सुगम्य भारत के अभियान के तहत हर आपके सरकारी भवनों में ये व्यवस्था कराया जा रहा है, और धारा 40 का भी पालन किया जा रहा है, और जहाँ नहीं हो रहा होगा वहाँ भी हम दिखवा लें। अरे मैं सेक्रेटेरिएट में नहीं चढ़ पाता हूँ, कहाँ कराया जा रहा, आपकी बिल्डिंग में नहीं कराया जा रहा। वो भी दिखवा लेंगे सर, आप दिखवाएंगे जी, करवाएंगे, आपकी बनवा लेंगे, आपकी व्यवस्था करें। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से चाहूंगा कि कुछ दखल दें। अध्यक्ष जी, सचमुच बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है। दोनों पक्षों से आदरणीय मंत्री जी जो उत्तर दे रही हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा आदेश है और सरकार ने भी आदेश दिया हुआ है, जिन जिन सार्वजनिक कार्यालयों में, शासकीय कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था नहीं, उसको किया जाए। लेकिन जिन स्थानों का जिक्र माननीय जोगी जी कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी उसको भी दिखवाएंगे। दिव्यांगों का संपूर्ण सम्मान और जिस तरीके से केंद्र सरकार के निर्देश हैं उसका पालन होना ही चाहिए, मैं आदरणीय जोगी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं। दिव्यांगों का पूर्ण सम्मान करते हुए मैंने पूरा 16 मिनट इस पर दिए। शिव रतन शर्मा जी, जी माननीय अध्यक्ष जी,
मैंने प्रश्न पूछा था माननीय मंत्री जी से कि प्रश्न लगाने के दिनांक तक कितने किसानों के पूरे रकबा का धान खरीदा गया। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 19,55,465 किसानों का पंजीयन हुआ और 33,146 किसानों का पूरा धान खरीदा गया। 20 फरवरी तक धान खरीदी हुई है, 6 फरवरी के बाद 4 दिन छुट्टी रही है शनिवार और रविवार की, और 5 दिन मौसम खराब रहा है। 5 दिन मौसम खराब रहा, 6, 5, 11 और 4, 15 कुल 5 दिन का समय किसानों को बेचने के लिए मिला है। आप मुझे बता दीजिए कि पूरे धान खरीदी के दौरान ये 19,55,465 किसानों का कुल कितने रकबे का पंजीयन हुआ था रकबा, और जितने रकबे का पंजीयन हुआ था उसके हिसाब से किसानों का कुल कितना धान सरकार को खरीदने की पात्रता थी या किसान को कितना धान बेचने की पात्रता थी। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा था कि प्रदेश में 6 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर किस जिले में कितनी मात्रा में धान खरीदी गई है, और प्रत्येक जिले का हमने आपको जानकारी दिया है। आप देखेंगे तो 19,55,446 वो जानकारी तो है, मैंने पूरा प्रश्न किया, किसानों का पंजीयन हुआ, और आप 6 फरवरी तक के डेट में जो पूछे हैं तो 71,30,577 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, और इसमें जो बेचने के लिए शेष हैं, एक मिनट सुन तो लीजिए आप, इतना जल्दी क्या है। अरे मैंने स्पेसिफिक उसका भी जवाब जो पढ़ रहे हैं बता रहे हैं वो सब हमको पूरा जवाब है, पूरा तैयारी करके आया हूँ, आपका एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, आप चिंता मत करिए। और निवेदन समय देंगे जो मंत्री जी तैयारी करके आया है तो सप्लीमेंटरी जो पूछ रहे उसका उत्तर दे रहे हैं। ये हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में इसको आप पढ़ते रहेंगे तो प्रश्नकाल में समय खराब क्यों कर रहे हैं मंत्री जी। बेसिक प्रश्न किया जो सप्लीमेंटरी जवाब एक साथ पूछ लीजिए, आपने जो जवाब दिया उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मंत्री जी को। ठीक है, आपने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि कितने रकबा का पंजीयन हुआ तो कुछ ऐसे पूरक प्रश्न होते हैं जिसका जवाब बाद में मिलता है, कर दीजिए। जो भूमिका है, हाँ तो जब तक उत्तर आएगा तब तक भूमिका नहीं बांधेंगे। जो 6 फरवरी के स्थिति में जो शेष बेचने के लिए जो कृषक हैं वो 3,08,145 हैं, और जो 100% बेचे हैं उनकी संख्या है 33,146। और इसमें अगर आप जो पूछ रहे हैं रकबा तो इसमें कुल रकबा है 18,20,000 किसानों के जो खरीदे हैं उसमें 82,83,000 हेक्टर। मेरा प्रश्न मंत्री जी ने समझा ही नहीं, ये तो जितना खरीदी की है उसकी जानकारी दे रहे हैं। मैंने बहुत स्पेसिफिक प्रश्न किया था कि 19,55,465 किसान जो पंजीकृत हैं, इनके कुल कितने रकबे का पंजीयन हुआ है एक, और दूसरा पंजीयन जितना हुआ है उसके हिसाब से सरकार को कितना धान खरीदना था या किसान ये 19,55,465 किसान को कितने धान बेचने की पात्रता थी 15 क्विंटल के हिसाब से, आप ये बता दीजिए। कुल पंजीयन हुआ था 25,28,000 हेक्टर, और इनके धान जो है उपार्जित को खरीदने का जो वो था वो 85,00,000 मेट्रिक टन का अनुमान किया गया था। मैंने अनुमान करने का नहीं किया है प्रश्न माननीय मंत्री जी। हाँ, क्या आप बता रहे हैं कि 25,28,000 हेक्टेयर का पंजीयन हुआ जी, उसके हिसाब से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कितना खरीदना था आप ये बताइए ना। सरकार देखिए कभी भी 100% धान ना तो पहले आपके समय खरीदा गया है ना कभी खरीदा जाता है, उसमें जो हाई गुना करना कितना बनेगा 15 के साथ, उसमें आप पूरा सुन लीजिए प्रश्न को, इतना जल्दी मैं आप है कि आप प्रश्न भी पूरा नहीं पूछते हैं। 85,00,000 मीट्रिक टन
का तैयारी हमने किया था और उसके लिए जो भी तैयारियां हैं बारदाना से लेकर के परिवहन से लेकर के रख रखाव से लेकर के पूरी तैयारी की गई थी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो 19,55,465 किसान थे इनका जो पंजीकृत रकबा था वो रकबा 25,28,000 हेक्टेयर था। मैंने प्रश्न किया है कि 25,28,000 हेक्टेयर में 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कुल कितना धान सरकार को खरीदना था। सरकार की घोषणा तो 85 लाख मीट्रिक टन की थी, पर 15 क्विंटल के हिसाब से आपको कितना धान खरीदना था या किसान की कुल धान बेचने की पात्रता कितनी थी, यह आप बताइए क्लियर। बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्वान सदस्य ने प्रश्न किया है और हमने तो समाचार पत्र पूरा आदेश निर्देश सब में किया था। जो पात्रता तय की गई थी एक एकड़ में 15 क्विंटल खरीदने की और जो पूरा प्रदेश का धान खरीदी का जो एक अनुमान लगाया गया था वो 85 लाख मेट्रिक टन का था। और क्या पूछना चाहते हैं बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो ये उत्तर आ नहीं रहा है स्पेसिफिक प्रश्न का। आपको 25,28,000 हेक्टेयर का आपने पंजीयन किया तो मोटा मोटा हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 64 लाख एकड़ का पंजीयन हुआ और 15 क्विंटल के हिसाब से सरकार को धान खरीदना था करीब करीब 105 लाख मीट्रिक टन धान, लगभग 15 क्विंटल के हिसाब से। और आप तो पहले टारगेट ही कम फिक्स किए 85 लाख मीट्रिक टन का। अच्छा, आप एक तो ये बताइए कि आपने टारगेट कम क्यों फिक्स किया जब आपको धान ज्यादा खरीदना था, एक कारण ये बताइए। और दूसरा कारण ये बता दीजिए कि 20 फरवरी तक कुल किसानों की कितनी ऐसे किसानों की संख्या है जिसने अपने पंजीकरण के हिसाब से पूरे रकबे का धान बेच दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो इन्होंने प्रश्न लगाया है 6 फरवरी तक, अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं 20 फरवरी तक, तो आपका 20 फरवरी तक भी बता देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता देता हूँ, ये मैंने तारीख लगाई है जिस दिन प्रश्न लगाने की तारीख थी वो, पर पूरक प्रश्न तो बनता है। पूरक प्रश्न तो बनता है, पूरा प्रश्न बनता है, पूरा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बता रहा हूँ, शांति से सुनिए। 20 फरवरी तक के स्थिति में आपने पूछा है तो 19,55,000 किसानों ने पंजीकृत कराया और हमने जो धान खरीदा है वो 82,80,000 मीट्रिक टन का है। और क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, मैंने बहुत स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है माननीय अध्यक्ष जी। मैंने पूछा है कि 20 फरवरी तक हाँ ये 19,55,465 किसानों में ऐसे कितने समय किसान थे जिनने अपने पंजीकृत रकबे का पूरा धान बेचा। ये तो अभी पूछ रहे हैं, इसके पहले तो आपने कितना पूछा आप निकाल के देख लीजिए, पूछा अभी हम उसमें बता रहे हैं ना, आप बैठिए। उसमें आपने जो पूछा है तो उसकी संख्या है 33,146। अरे ये तो 6 फरवरी तक की है, लिखित उत्तर में आ चुका है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि 19,55,465 किसान जो पंजीकृत हुए उन किसानों में 20 फरवरी तक कितने ऐसे किसान हैं जिनने अपने पंजीकरण के हिसाब से पूरे रकबे का धान बेचा या आपने खरीदा, यह संख्या बताइए, उन किसानों की संख्या। 20 फरवरी तक के स्थिति में बेचने वाले पूर्व किसानों में 45,733। लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि 20 फरवरी तक जिन किसानों ने अपने पूरे रकबे का धान बेचा वो किसानों की संख्या है 45,637 और पंजीकृत किसानों की संख्या है 19,55,465। माने स्वयं मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि 19 लाख किसान ऐसे हैं जिनने अपने पंजीकरण के हिसाब से धान नहीं बेच पाए। आज समाचार पत्रों में बड़ी जोरदार घोषणा छपी है, मैं बता रहा हूं, कि 4 मंत्रियों के प्रयास से सरकार ने टोकन बेचने वाले धान खरीदने की घोषणा की। खुद मंत्री जी बोल रहे हैं 19 लाख किसानों ने धान नहीं बेच पाए अपने, आप इनका धान खरीदेंगे क्या, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ताउम्र गालिब यही अक्सर गलती करता रहा कि चेहरे उसके धूल उसके चेहरे में थी और आईना पहुंचता रहा। ये कोई बात नहीं,
आपने इन 15 सालों में आपकी सरकार थी, अरे मैं आपके सरकार का प्रश्न, उस समय कितना धान खरीदा उसको आपने नहीं देखा, उसको बता देता हूँ माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी 19-20 में हमने 19,55,554 किसानों में से 18,20,934 मतलब हम इसमें एक इसमें 93% माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट मैं बहुत एक बार मंत्री जी उन्नीस आपका मंत्री जी या तो मेरे प्रश्न को समझ के नाटक कर रहे हैं इनके सरकार एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी मैंने सीधा सीधा प्रश्न किया है कि आपने 19,55,465 किसानों का पंजीयन किया, 20 फरवरी तक आपने धान की खरीदी, 20 फरवरी तक जब आपने धान की खरीदी की तो ऐसे कितने किसान थे जिनने अपने पंजीकरण के पूरे रकबे का धान बेचा 15 क्विंटल के हिसाब, आप वो संख्या बताइए। अब मुझे सुनिए ना, आप क्लिष्ट इतना क्लिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं। क्लिष्ट नहीं माननीय अध्यक्ष, बहुत समान किसान है और आप रुकिए, आप लोग क्यों इतना उत्तेजित हैं? धान का मामला है, किसान का मामला है, इसमें उत्तेजना का सवाल नहीं है, पूछने दीजिए। जितना क्लिष्ट वो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब जब तक आता है तब तक चंद्राकर जी अपना सवाल करें, दे रहे हैं ना आपको, आप अवसर नहीं कर सकते, आप इस तरह से दबाव नहीं ला सकते, मैं दे रहा हूँ ना जब तक मान्यता आपका संरक्षण चाहूंगा, मेरे एक भी प्रश्न का स्पेसिफिक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला मान्य अध्यक्ष जी। मान्य अध्यक्ष जी आप बैठे, अच्छा एक मिनट मेरे पूछ, आप बैठ जाओ यार थोड़ा, साजिश की जा रही है सम्मानित सदस्यों के द्वारा, मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे ऐसा मोहन मरकाम जी यहाँ पर साबित कर रहे हैं। आज 15 लाख पंजीयन होता है और 12 लाख किसानों की आपकी सरकार धान खरीदी, हमारी सरकार माननीय मरकाम जी पीछे माननीय मरकाम जी आज जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे, आप उसे उत्तर मत दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी मैंने बहुत सामान्य सा स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, आपका संरक्षण चाहूंगा, मेरे को स्पेसिफिक प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर मिले। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 25,28,000 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन 19,55,465 किसानों ने कराया। मैं खाली मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 19,55,465 किसान थे उसमें कितने ऐसे किसान हैं जिनने अपने पूरे रकबे का पंजीकरण के हिसाब से धान बेचा, बस यही जानकारी चाहिए। देखिए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आप आराम से प्रश्न पूछें, आपका सभी उत्तर उनके पास है, उनको उत्तर खोजने दीजिए ना, काहे को परेशान है। तो वो दे रहे हैं ना उत्तर, उन्होंने कहा कि वो पूरी तैयारी से आए हैं, सब उत्तर देंगे आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र जो है उधर से जो पूछ रहे हैं उसका जवाब हम दे रहे हैं, जवाब ले नहीं पा रहे हैं वो, आप हम जो जवाब देते हैं फिर तीसरा घुमा करके दूसरा बोलते हैं। आप दोनों की जो मित्रता है ना तो वो आज प्रकट हो रहा है। उस जिस स्थिति की आप बात कर रहे हैं उसमें से 33,146 किसानों की संख्या ऐसी है जिन्होंने अपना 100% धान बेचा है। माननीय अध्यक्ष जी अब 30,000 ये 33,146 किसानों की जो संख्या है
ये 6 फरवरी की तारीख की है, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है, परिशिष्ट में ये हमें मिल चुका है। क्या 6 फरवरी के बाद बाकी किसानों ने धान नहीं बेचा? अब मंत्री जी कहते हैं कि 33,146 किसानों ने अगर अपना पूरा धान बेचा है तो इनके हिसाब से 19 लाख से ज्यादा किसान बाकी है जिनका पूरा धान नहीं खरीदा गया है। सरकार इन किसानों के पूरे धान के खरीदने की व्यवस्था करेगी क्या, ये बता दें आप। चलिए एक साथ उत्तर देंगे माननीय, आप खड़ो। नहीं नहीं, एक मिनट देंगे ना, देंगे या उनको प्रेस करने से रुकवाइए, आप उसको नहीं बोल सकते। नहीं, मैं उनको माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न कर रहा हूँ, उसका उत्तर मंत्री जी दे पा रहे, तो 4 प्रश्नों को उत्तर एक साथ कैसे देंगे वो? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो जैसा चाह रहे हैं हम वैसे ही उत्तर देंगे। जो शासन का उत्तर है, जो प्रश्न का जवाब है, हम वैसे ही देंगे कि जितना हमने पंजीयन कराया, कितना धान खरीदा, कितना भुगतान किया, कितना 100% हमने खरीदी का माननीय अध्यक्ष बताया है। अभी अब माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, माननीय नेताजी पूछे उत्तर तो, एक मिनट, एक मिनट, मंत्री जी, वैसे भी माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन विधायकों के प्रश्न लगे हैं वो सब अपने प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं, 16 मिनट समाप्त हो चुका है, दूसरे प्रश्न का भी 16 मिनट समाप्त हो चुका है। करने का प्रयास करेंगे प्रश्नकाल को। माननीय अध्यक्ष, आपके आदेश का अवहेलना कर रहे हैं प्लीज, आप प्रश्न करिए। इस विधानसभा में आपको एक जानकारी भर दे देता हूँ, एक प्रश्न 1 घंटे चला है और उसका उत्तर नहीं मिला था। ये तो आज 32 मिनट हुआ है, किसान के मुद्दे पर हो रहा है। जिस दिन चर्चा नहीं चाहिए किसानी को नहीं समझा ग्रामीण एरिया में नहीं है, पूरा पूरा राज्य भी उससे प्रभावित होता है भैया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 33,146 किसानों ने धान बेचा, मैं 6 फरवरी तक की बात करता हूँ, पंजीकरण की संख्या भी परिशिष्ट में लिखी है जी। इनकी इतने दिन तक 20 फरवरी तक जो खरीदी हुई, ये किसान अपना पूरा धान किन किन कारणों से नहीं बेच पाए, उसके लिए दोषी कौन है और उन दोषियों के ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे, और यदि उनको अवसर नहीं मिला तो क्या फिर से उनको धान बेचने का अवसर प्रदान करेंगे? सीधा सीधा उत्तर बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मैं इसका दे चुका हूं और हमारा फिर वही है कि 19,55,000 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया, हमने 82,20,000 मेट्रिक टन इनसे धान खरीदा, और जो 100% के लिए बोल रहे हैं उनका 30,100 किन कारणों से नहीं बेच पाए, उसके लिए जो दोषी हैं उन पर आप कुछ कार्रवाई करेंगे क्या? ये इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे तरफ से जो व्यवस्था की गई थी, असामयिक वर्षा होने के कारण और बीच में जो मौसम ने साथ नहीं दिया, वही तो एक ही बात है, उन्हीं सब कारणों से लोगों को दिक्कतें आई, उनके दिक्कत को देखते हुए 15 फरवरी से बढ़ा करके 20 फरवरी तक डेट बढ़ाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप संतुष्ट, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप संतुष्ट है तो मैं प्रश्न नहीं करूंगा। आपने काफी समय दिया, लेकिन ये बोलिए कि सिर्फ इतने किसान 19 लाख पंजीकृत हुए, 33,000 लोग भर बेच पाए, मौसम के कारण ही धान खरीदी 1 दिसंबर से हुई, ये कहा बीच में मौसम खराब हुए कुछ दिन के लिए, ठीक है वो बात है, लेकिन सिर्फ मौसम के कारण नहीं खरीदी हो पाई क्या? ये भर कारण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए दोषी कौन कौन है ये बताने का जरूर कष्ट करें, और बाकी किसान जो पंजीकृत हैं, ठीक है आप 93% का खरीदे हैं मान लो, तो 93% पे ही बाकी को अवसर देंगे क्या? आप उसकी जांच करा लीजिए ना, क्या दिक्कत? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो 18,20,000 किसानों ने धान बेचा है, मौसम बता रहे, जो जो किसान, जिन किसानों का जो हमने, मेरे ख्याल Yeah!
विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम 1 के तहत निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से समय निलंबित हो गए। धर्म लाल जी कौशिक, जनकी राम कंवर, पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, रजनीश कुमार, दीपेंद्र कसाव कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर चले जाएं। डॉक्टर रमन सिंह, सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4th Eye News। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।